होप असल होपोलफ यूल बी फाइन एंड वेलकम यू ऑल दिस पर्टिकुलर चैनल आज का जो ये सेशन है रिसर्च सेशन ये बेसिकली क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस और उसमें खास तौर तो पे स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग एंड कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस किस तरह से अमॉस सॉफ्टवेयर के ऊपर रन करते हैं ये उसके ऊपर बेस कर रहा है पहले आपने uh, हमारे चैनल के ऊपर डिफरेंट दूसरी वीडियोज़ को एक्सेस किया होगा लाइक इस वीडियो के अंदर हमने आपको एस्पीसीस का एनालिसिस सिखाया है इस वीडियो के अंदर आपको बताया कि एसपीस के एनालिसिस को करने के बाद जो शॉर्ट कमिंग है एस्पीस की वो अमॉस और स्मार्ट पी एल एस से खत्म हो सकती हैं लेकिन अमॉस और स्मार्ट पी एल एस के दरमियान चूज़ किसको करना है अगर वो आप जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं आ, अब आज के सेशन के अंदर हम आपको अमाउंस पे सॉफ्टवेयर एनालिसिस करना सिखाएंगे क्वांटिटेटिव प्राइमरी डाटा का जो आपने क्वेश्चनर के थ्रू कलेक्ट किया हुआ ऑल दो के उस वीडियो के अंदर जो डिफरेंस डिफ्रेंशिएट कर रहा है स्मार्ट पी एल एस को और अमाउंस को उसमें डिटेल में मौजूद है कि हम अमाउंस कब यूज़ करते हैं और स्मार्ट पी एल एस कब यूज़ करते हैं लेकिन स्टिल मैं ए, क्विक आपको रिकैप दे दूँ कि हम एस पी एस के ऊपर किसी भी तरह के मॉडल का कम्प्लीट एनालिसिस कर सकते हैं फॉर इंस्टेंस आज के सेशन के अंदर जिस हम मॉडल की एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं वो हमारे सामने ये ड्रॉ है इसमें सर्वन लीडरशिप हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है मीडिएटर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफिकेशन है और मॉडरेटर आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग है इस पूरे सेशन के अंदर हम इस मॉडल को लेके चलेंगे अब ऑल दो कि ये मॉडल एसपी एस एस पे रन हो सकता है लेकिन जब मॉडल्स इस तरह के हों कि जो कॉम्प्लिकेटेड हैं जिनमें मीडिएटर मॉडरेटर डिपेंडेंट एक ही वक्त में मौजूद हैं या मीडिएटर एक से ज़्यादा हैं इंडिपेंडेंट एक से ज़्यादा हैं इंडिपेंडेंट एक से ज़्यादा हैं और डिफरेंट तरह की कम्प्लेक्सिटी आ जाती है मॉडल में और हम चाहते हैं कि सारे के सारे मॉडल को हम इकट्ठा मैप कर पाएँ तो जिस तरह अगर आपको याद हो कि एस के ऊपर जब हमने एनालिसिस किया था और उसमें हमने एंड्रयू ऑफ हाइज का प्रोसेस टेस्ट लगाया मीडिएशन के लिए तो उसका मतलब यह था कि रेगुलर रिग्रेशन के अंदर हम मीडिएशन को उसके साथ जनरिकली ट्रीट नहीं कर सकते हमें उसके लिए एक स्पेशल टेस्ट अलग से रन करना पड़ता है जो कि एंड्री हाइज ने एक प्रोसेस माइक्रो डिवेलप किया हुआ था लेकिन चूंकि मॉडल ऐसे ऐसा एडवांस होते जाते हैं कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं तो हम चाहते हैं कि सारे का सारा मॉडल इकट्ठा ही रन हो सके एटलीस्ट उसमें जो मीडिएशन शामिल हैं वो अपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ ही रन हो सकें तो उस पर्पस के लिए हमें स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग की तरफ जाना पड़ता है स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग एक मल्टीवेरिएट एनालिसिस का टूल है एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपने मॉडल को पिक्चर की शेप बनकर उसको इकट्ठा रन कर सकते हैं एसपीसी uh, के ऊपर जब कोई एनालिसिस रन होता है तो उसको वो इक्वेशन की फॉर्म में रन होता है और इक्वेशन चूंकि एक वक्त में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनती डिपेंडेंट वेरिएबल मेजोरिटी स्टेजेस में एक ही रहता है मल्टीवेरिएट एनालिसिस में वो दो से ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन स्टिल उसमें ये वाली कम्प्लिकेशन शामिल होती हैं तो स्ट्रक्चरलोकेशन मॉडलिंग करने के लिए और कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस के लिए हमें एडवांस सॉफ्टवेयर पर आना पड़ता है ये काम एस परफॉर्म नहीं कर सकता और उन एडवांस सॉफ्टवेयर में हमारे पास तीन से चार टाइप्स हैं लेकिन जिन दो टाइप्स का हम इस चैनल के ऊपर करेंगे वो अमोस है और स्मार्ट पी एल एस है इसके बाद हम दूसरे की तरफ भी जाएंगे सो so, uh, मजीद टाइम किसी भी तरह का वेस्ट के बगैर आपको अमाउस पे लेकर चलते हैं कि अमोस के ऊपर प्राइमरी डाटा का और खासतौर पर इस मॉडल का analysis किस तरीके से किया जाएगा सो so, आप लोगों के पास गूगल ड्राइव का लिंक मौजूद होगा जिसमें अमॉस वर्कशॉप के नाम से एक फोल्डर है उसमें एक शीट बिल्टन मौजूद है चौधरी वन के नाम से स्टैट्स टूल पैकेज का एक एक्सटेंशन एक मौजूद है ये स्टैट वीकी से डाउनलोड किया गया है इसका क्या यूज़ होगा बाद में बताएंगे और आपके पास सॉफ्टवेयर मौजूद है सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास ये सेटअप उसका मौजूद है और क्रैक मौजूद है अगर आप उसको रजिस्टर करना चाहते हैं तो इसको डिज़ायर्ड लोकेशन में कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा सो आप इंस्टॉलेशन के प्रोसीजर से जब गुजर जाएं तो अल्टीमेटली जब आप इस फाइल को ओपन करेंगे चौधरी वन की फाइल को तो वो इस तरह से आपके सामने ओपन होएगी इसमें हमारे पास पांच डेमोग्राफिक वेरिएबल हैं जेंडर है मैरिटल स्टेटस है क्वालिफिकेशन है एज है एक्सपीरियंस है फिर सर्वेंट लीडरशिप के हमारे पास फोर्टीन क्वेश्चन हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी के हमारे पास सेवन क्वेश्चन हैं ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग के हमारे पास टेन क्वेश्चन हैं एंड ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफिकेशन ओ के हमारे पास फोर्टीन क्वेश्चन हैं ये वेरिएबल यहाँ पे डिज़ाइन कैसे किए गए हैं इनके बैक एंड पे ये सारे का सारा डाटा कैसे एंटर किया गया हुआ है और अल्टीमेटली इन चार वेरिएबल्स को ट्रांसफॉर्म कैसे किया गया हुआ है ये आप सब कुछ uh, जानते हैं ऑलरेडी जो uh, हमारी एस्पेसिस वाली वीडियो है इसमें क्वान्टिटेटिव डेटा एनालिसिस ऑन एसपी नहीं देख चुके हैं सो ये हमारा है जो कि उस फॉर्म में हमने ऑर्गेनाइज कर लिया है कि हमने इसके क्वेश्चन को सारी की सारी चीजों से इस तरह से प्रिपेयर किया हुआ सो so, इसका हमने तो कुछ एनालिसिस तो जिस तरह आपको पता है कि जिस तरह बताया गया कि कुछ बेसिक एनालिसिस एस एस पे ही होते हैं वो तो कौन कौन से एनालिसिस हो सकते हैं मैं क्विकली वो एनालिसिस रन करूँगा उन पर ज़्यादा टाइम हम स्पेंड नहीं करेंगे हमें डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस स्टेटिस में जाके कर में जाना चाहिए हम अपने डेमोग्राफिक वेरिएबल चूज करेंगे और हम इनका डेमोग्राफिक एनालिसिस हमारे पास आ गया कितने कितने परसेंट लोग किस किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सेकंड टेस्ट जो हम नॉर्मली रन करते हैं वो डिस्क्रिप्टिव्स का करते हैं जो हमने वेरिएबल अपने ट्रांसफॉर्म किए हुए हैं हम उनको सिलेक्ट करते हैं वेरिएबल्स में फेंकते हैं ऑप्शन में जाकर इस क्यूनेस को चेक करते हैं बाकी चीज़ें ऑलरेडी चेक हुई हैं और आप इनको ओके okay के बटन को प्रेस करते हैं या हमारे पास उसका डाटा आ जाता है नॉर्मेलिटी वगैरह का इसमें हम देख रहे हैं कि डाटा नॉर्मल नहीं है ठीक है तो मतलब कि इसके एनालिसिस में लेटर ऑन जब हम माउस पे करेंगे शायद प्रॉब्लम पेश आए इस पर पे ऊपर पैरामेट्रिक एनालिसिस नहीं हो सकता रन हम एनालाइज में जाएंगे हम एनालाइज में जाने के बाद जो इसके बाद टेस्ट रन करेंगे वो हमारे पास रिलायबिलिटी का होगा आम, स्केल रिलायबिलिटी एनालिसिस हम इसमें हर वेरिएबल की सेपरेट आइटम्स फेंकेंगे सर्वन लीडरशिप के आइटम्स फेंक के ओके किया पॉइंट नाइन टू टू आया इसी तरीके से हम बाकी वेरिएबल्स की रिलायबिलिटी भी निकाल लेंगे देन हम जो लास्ट टेस्ट रन करते हैं उसके अंदर डायमेंशन रिडक्शन का करते हैं इनके फैक्टर एनालिसिस हम तमाम वेरिएबल्स के आइटम्स को इकट्ठा फेंकते हैं और कुछ चीज़ें चूज़ करते हैं जिस तरह डिस्क्रिप्टिव में हमने के एम एंड बाटले टेस्ट चूज़ करना होता है एक्सट्रैक्शन के अंदर हमने फिक्स नंबर ऑफ़ फैक्टर जितने वेरिएबल हैं वो नंबर यहाँ पे फोर वेरिएबल्स हैं तो फोर लिख देंगे रोटेशन में हम वेरी मैक्स की तरफ जाते हैं और रोटेट सोल्यूशन की तरफ जाएंगे ऑप्शनस में हम सप्रेस कर देते हैं स्मॉल कॉप्शन को जिनकी लोडिंग फोर ज़ीरो से कम हो क्यों करते हैं ताकि ये तो बिल्कुल भी मॉडल का पार्ट बन ही नहीं सकते और हम अपने ओके के बटन को प्रेस कर देते हैं ये हमारे पास रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स आ गई है जो तो जिसमें कुछ एरर्स मौजूद हैं लेकिन सम हाउ तीन वेरिएबल्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है बाकी एक वेरिएबल के कुछ एरर्स हैं सो ये हम ये टेस्ट हैं जो कि एसपेसिस पे स्टिल हमें रन करना पड़ता है तो अगर हम कहें कि हमें फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस मीन्स डाटा स्क्रीनिंग और साथ में रिलायबिलिटी और एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस या रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स ये हम जो निकालते हैं एसपिसस पे ही निकालते हैं हम ये चीज़ें एक्सप्रेस पे करने के बाद एनालाइज़ पे क्लिक करने के बाद आई वी एम पे आ जाते हैं अगर आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ होगा तो आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी अब ये जो रिमेनिंग एनालिसिस है ये अमावस के ऊपर होगा सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अमाउस का इंटरफेस कैसा है इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं हमारे पास अमाउस के इंटरफेस के अंदर ये आपके पास वर्किंग पेन है इसके और ये हमारे पास टूल बार हैं डिफरेंट शॉर्टकट्स हुए हैं, यही यहाँ पे भी मौजूद होते हैं लेकिन शॉर्टकट्स टूल्स की फॉर्म में यहाँ पे गिवन है और सबसे पहले हमने क्या करना होता है अपने इस वर्किंग स्क्रीन को थोड़ा सा इनहेंस करना होता है ताकि हम ज़्यादा स्पेस को यूटिलाइज कर सकें हम व्यू पर क्लिक करते हैं इंटरफेस प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हैं पेपर साइज़ को हम लैंडस्केप ए फाइव कर लेते हैं और अप्लाई कर देते हैं सो so हमारे पास ये वर्किंग साइज़ ज़्यादा आ गया ये ग्रे एरिया थोड़ा सा रह गया अब इस सारे वाइट पोर्शन के अंदर हम वर्किंग कर सकते हैं ये डिफरेंट टूल्स हैं जो डिफरेंट टाइम्स के अंदर यूज़ होंगे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है हमें अपनी डाटा फाइल लोड करनी होती है ऑल दो हमने एक स्पेस की फाइल ओपन करके चलाई है तो ऑटोमेटिकली वो लोडेड भी है लेकिन चूंकि समटाइम वो लोडेड नहीं होती तो ये जो ब्लू कलर का कैलेंडर देख रहे हैं आप इस साइड पे हम इस पर क्लिक करते हैं फाइल नेम को क्लिक करते हैं और अपने फोल्डर के अंदर जाके जहाँ जा भी मेरा डाटा पड़ा है हमने मॉस वर्कशॉप के अंदर से चौधरी वन वाला फोल्डर चूज़ किया और चौधरी वन को ओपन कर लिया और ओके कर लिया इसका मतलब है हमारा डाटा लोड हो चुका है इस डाटा को कहाँ देख सकते हैं ये ब्लैक कलर की स्टेज बनी हुई हैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास ये डाटा इस फॉर्म के अंदर मौजूद है सारे का सारा डाटा यहाँ पे मौजूद है आप देख सकते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स का डिफरेंट आइटम्स का डाटा सब का सब मौजूद है सो so, ये वो डाटा जो हमें चाहिए होता है तो कैसे लोड करना था आपको पहले वो बता दिया इसको देखना कैसे है वो भी बता दिया ठीक है अब सबसे पहले हमने क्या करना है कौन सा टेस्ट रन करना है इसके ऊपर हमने कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस रन करना है कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस के लिए हमें मेजरमेंट मॉडल ड्रा करना होता है बेसिकली मेजरमेंट मॉडल कहते हैं जो कि कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस को रन करने के लिए रिक्वायर्ड होता है so, सो दूसरे मॉडल को फैक्टर मॉडल कहते हैं जो फैक्टर मॉडल के अंदर हम इम्पैक्ट देखते हैं मेजरमेंट मॉडल के अंदर हम सिंपली मॉडल फिटनेस चेक करते हैं और कन्वर्जेंट एंड डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी चेक करते हैं ये होती क्या चीज़ें आगे डिस्कस करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस सबसे पहले रन करना है तो कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस रन करने के लिए हमें मेजरमेंट मॉडल ड्रा करना पड़ेगा मेजरमेंट मॉडल कैसे ड्रा करते हैं चले उस चीज़ को देखते हैं ये हमारे पास एक बैलूस मल्टीपल बैलूनस की शेप बनी हुई है हम इस बैलून को चूज़ करते हैं हम एक लेटेंट वेरिएबल ड्रा करते हैं लाइक दिस इज़ अ वेरिएबल ठीक है ना और इस पर उतनी मरतबा क्लिक करते हैं जितनी मरतबा हमने यू कैन से जितने हमारे नंबर ऑफ आइटम्स हैं पहले वेरिएबल के सेवन लीडरशिप के फोटीन आइटम्स हैं अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर मौजूद हैं वन से लेकर फोटीन तक तो मैं क्या करूँगा मैंने ये ड्रा करने के बाद मुनासिब से सारे का कर ड्रा करूँगा क्योंकि मुझे पता है चार वेरिएबल्स यहाँ पे आने हैं तो उनको अरेंज करना मुश्किल ना हो जाए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन एंड फोर्टीन तो मैंने ये फोटीन वेरिएबल्स को फोरटीन आइटम्स को ड्रा कर लिया चूँकि ये एयरस काफ़ी कंजस्टेड हैं तो मैंने इस ट्रक वाले आइकन को चूज़ करके थोड़ा सा इनकी शेप को बेहतर कर लिया तो मैं अपना पहला वेरिएबल ड्रा कर चुका हूँ दोबारा से मेरा दूसरा जो वेरिएबल है दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी प्रॉब्ली और उसके हमारे पास सात आइटम्स हैं तो हम क्या करेंगे उसको ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी ड्रा करेंगे दोबारा इस बेलून्स वाली शेप को चूज़ करेंगे और एक लेटेंट वेरिएबल ड्रा कर लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ओके हमारे पास चूंकि सेवन आइटम्स थे तो मैं ज़्यादा आइटम्स ड्रा कर चुका हूँ थ्री थ्री और थ्री टेन हो गए तो लेट्स सपोज कि किसी दूसरे वेरिएबल को हमने ड्रा कर लिया पहले ऑर्गेनाइजेशनल um, लर्निंग के हमारे पास टेन आइटम्स हैं तो लेट्स सपोज ये दूसरा जो वेरिएबल है वो ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग है मैं दोबारा से ऑर्गेनाइज परफॉर्मेंस को ड्रा कर लेता हूँ जो सेवन आइटम्स हैं सो एक और वेरिएबल ड्रा किया एक दो तीन चार पाँच छः और सात ये मैंने ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को ड्रा कर लिया ये सर्वे लीडरशिप ये ऑर्गनाइजेशन लर्निंग एंड ये ऑर्गनाइजेशन परफॉर्मेंस हमारे पास ये डिफरेंट तरह से आ गए अच्छा अब आप देख रहे हैं कि फोर्थ की जगह मेरे पास कम हो गई है तो ये हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि हम इनको मूव भी कर सकते हैं अपने इन वेरिएबल्स को जो हमने ड्रॉ हैं ना इनको मूव किया जा सकता है इनको मूव करने का क्या तरीका होता है एक तरीका तो बहुत हैक्ट्रिक है लेकिन एक शॉर्टकट तरीका का ये है कि आप इस डिस्पर्शन वाली सिमिट्री को चूज़ करें और साथ में इस ट्रक को चूज करें तो आप इस पूरी शेप को इकट्ठा मूव कर सकते हैं मैंने इसको इकट्ठा मूव कर लिया उसके बाद मैं आ, इसे ख़त्म कर देता हूँ और देन मैं रोटेशन को चूज़ करता हूँ ये जो इन सर्कल है ये रोटेट करता है इससे हम इंडिकेटर्स को रोटेट कर सकते हैं जिसने हमने इनके इंडिकेटर्स को रोटेट कर लिया तो मैंने रोटेट करने के बाद दोबारा से सिमेट्री को चूज़ किया और ये ट्रक को चूज़ किया और मैंने इसको थोड़ा सा मूव करके इस साइड पर आया इस साइड पर लाने की रीज़न क्या है ताकि मैं अपने तमाम वेरिएबल्स को अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकूँ इसी तरीके से मैं इसको भी एडजस्ट कर लूंगा पहले मैं इसके एयरोज़ को थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ ये ट्रक को चूज़ करके हम इनको मूव कर सकते हैं सॉरी सिमेट्री को पहले ख़त्म करते हैं सिंपली ट्रक को चूज़ करके इन एयर को ठीक किया <coughs> फिर मैंने सिमेट्री को चूज़ किया और मैंने इस पूरी शेप को यहाँ पे ले आया हूँ और अब की मतबा मैंने रोटेशन को चूज़ करके इस तरीके से कर लिया दोबारा से ट्रक को चूज़ किया और इसको हम इस बैलेंस वे में यहाँ पर ले आए ताकि एस्थेटिक सेंस हमारे मॉडल की ठीक रहे उसके बाद हमने जो फर्दर काम किया है वो ये किया है कि हमने लास्ट वेरिएबल ड्रा करना है अपना तो उसके लिए हम ये सटेरी वाले ऑप्शन ख़त्म कर देंगे लास्ट वेरिएबल हमारे पास कौन सा है ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफिकेशन उसकी कितनी आइटम्स हैं देख लेते हैं उसकी भी फोरटीन आइटम्स हैं वन से लेकर फोर्टीन तक तो हमने इसको भी ड्रा करना है कैसे ड्रा करना है अगेन बेलून वाली शेप को चूज़ कर लिया यहाँ पे आके हमने ड्रा किया एक मुनासिब साइज़ का बॉक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन एंड फोटीन लेट्स सपोज़ अगर आप कोई आइटम गलती से ज़्यादा ऐड हो गया और अभी आपने डाटा एंटर नहीं किया हुआ अभी डाटा एंटर नहीं किया हुआ एक क्वेश्चन गलती से ज़्यादा ऐड हो गया तो आप इस क्रॉस की मदद से इसको ठीक भी कर सकते हैं आप क्रॉस को पकड़िए आप जहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो चीज़ लेकिन आपको हर एक पूरा पाथ डिलीट करना पड़ेगा सो जो सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट रिकमेंड करने लगा लगाऊँ यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कि अगर आपसे कोई मॉडल में ड्रा करते हुए गलती हो जाती है तो इस क्रॉस के बटन को फंक्शन को यूटिलाइज़ करने से बेहतर है कि आप पूरे मॉडल को रीड्रॉ कर लें क्योंकि का जब हम क्रॉस का फंक्शन यूज़ करते हैं ना तो आप केयरलेसनेस के अंदर के हर चीज़ को डिलीट नहीं कर पाते लाइक like अगर आप इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन को डिलीट करना चाहते हैं तो इस एरो को भी रिमूव करना पड़ेगा इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को रिमूव करना पड़ेगा इस पॉइंटेड एरो को रिमूव करना पड़ेगा और इस राउंड सर्कल को रिमूव करना पड़ेगा हम बाद का दिन से कोई चीज़ छोड़ देते हैं जो कि बाद में हमारे मॉडल को रन करने में परेशानी पेश आती है सो इसलिए रिकमेंड ये किया जा रहा है कि आप अगर कोई गलती हो गई है तो आ, उसको ये कर लें कि उसका क्या नाम है दोबारा से ड्रा कर लीजिए उसको मैनुपलेट करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन ये क्रॉस के ऑप्शन इसके लिए मौजूद होती है आप कर भी सकते हैं एनी हाँ मैं ट्रक के ऑप्शन को चूज़ करके थोड़ा सा इन एरोज़ को क्लियर करता हूँ ताकि मुझे लोडिंग्स बाद में नज़र आ सकें और मैं दोबारा से समिट्री वाले ऑप्शन को चूज़ करके इसको थोड़ा सा शेप को ऊपर ले आता हूँ और अब मैं रोटेशन करके इनको नीचे एरोस को नीचे ले जाते हैं और दोबारा से ट्रक को चूज़ करके इनको ऊपर ले आते हैं इसका मकसद ये था कि मैंने इनके दरमियान कोवेरिएट ड्रा करने हैं तो मेरे लिए ईजी हो ड्रा करना उसमें कोई मुश्किल पेश ना आए सो so, यहाँ तक हमने अपने वेरिएबल को ड्रा कर लिया मेजरमेंट मॉडल के लिहाज से अमोज़ के ऊपर क्या किया था इसको चूज करके मैंने सर्कल बनाया एक वेरिएबल के लिए फिर जितने क्वेश्चन थे उतनी मुझ क्लिक किया कि मैंने तमाम वेरिएबल्स के लिए रिपीट किया और मेरे पास ये शेप आ गए अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप के अंदर अच्छा और क्या कोई चीज़ कर सकते हैं हम साइज भी कम ज़्यादा कर सकते हैं ठीक है ना अगर हम चाहते हैं कि नहीं जनाब इसको इसकी पोजीशन मैंने चेंज करनी है पूरे की पोजीशन चेंज नहीं करनी तो मैं इस फिंगर को चूज़ करता हूँ और उस पोर्शन को सिलेक्ट करता हूँ जिसकी पोजीशन में चेंज करना चाहता हूँ वो ब्लू होता जाएगा लेट्स सपोज मैंने इसको भी क्लिक कर लिया इसको भी क्लिक कर लिया तीनों चीज़ें ब्लू हो गई अब मैं जब ट्रक uh, को चूज़ करके इनको मूव करूँगा uh, तो ये तीनों चीज़ें ही मूव होंगी और चीज़ें मूव नहीं होंगी ये तीनों चीज़ें साथ मूव होने लग जाएंगी एनी हाउ अगर आप इसको डीसेलेक्ट करना चाहते हैं तो इस बटन को दबा देंगे ये डीसेलेक्ट हो जाएगा तो इस तरीके से आप इस मॉडल को मूव भी कर सकते हैं अब हमने क्या करना है हमने इनके अंदर आइटम्स डालनी है ये बेसिकली लेटेंट वेरिएबल है और ये हमारे पास ऑब्जर्व वेरिएबल होते हैं यानी कि इनके अंदर हम अपने क्वेश्चन डालते हैं और ये अनऑब्जर्वड होते हैं जिसमें एरर टर्म्स आती हैं तो तीन हिस्से होते हैं मेजरमेंट मॉडल के एक वेरिएबल को लेकर नंबर वन लेटेंट वेरिएबल जहाँ वेरिएबल का नाम आता है मेन वेरिएबल कौन सा है फिर नंबर टू यहाँ पे ऑब्जर्व वेरिएबल है जहाँ पे हम अपने आइटम्स डालते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्सेस के अंदर इन राउंड सर्कल्स के अंदर हम एरर टर्म्स डालते हैं ठीक है ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आती हैं सो so, ये तीन हिस्से होते हैं एक और बात यहाँ बताता जानू कि राइट नाउ हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो रिफ्लेक्टिव मॉडल की कर रहे हैं रिफ्लेक्टिव मॉडल और फॉर्मेटिव मॉडल में क्या डिफरेंस है जो वीडियो हमने बनाई है स्मार्ट पीएलएस वर्सेस एस अमोस के आप वहाँ से सीख सकते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चंस आइटम्स फेंकते हैं आइटम्स फेंकना एक बड़ा ही यू uh, कैन से कि हमें बड़े एहतियात से प्रोशन करना होता है ठीक है ना क्योंकि अगर उसमें मिस्टेक हो जाए तो फिर बाद में रिजल्ट ठीक नहीं आते मैंने एस वन को पिक किया और मैंने यहाँ पर तब तक ड्रॉप नहीं करना जब तक कि रेड ना हो जाए ठीक है ना जब ये रेड हो गया तब ड्रॉप किया लेट्स मैं क्लिक करता हूँ मैं उसमें बाहर फेंक देता हूँ तो ये इस तरह की शेप आ जाएगी तो अभी तक तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप इसे क्रॉस कर सकते हैं लेकिन लेटर ऑन अगर मिस्टेक करेंगे तो वो करना मुश्किल हो जाता है एस को यहाँ ड्रॉप किया सेम इसी तरीके से एस को ड्रॉप कर रहे हैं एस को ड्रॉप कर रहे हैं एस को ड्रॉप कर रहे हैं ये बेसिकली हम अपने ऑब्जर्व वेरिएबल्स जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं उनको इन बॉक्सिस के अंदर ले के आ रहे हैं एक तरतीब के अंदर क्या तरतीब डिस्टर्ब होने से कोई प्रॉब्लम पेश आएगी नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या सर्वेंट लीडरशिप को अगर हमने ऊपर ड्रा किया है और ऑर्गनाइज आइडेंटिफिकेशन को कहीं और ड्रा किया है या वो जो हमारा मॉडल की शेप थी उसके अकॉर्डिंगली हमने मिस शेप कर दिया है नहीं मेजरमेंट मॉडल के अंदर आपके इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट मीडिएटिंग मॉडरेटिंग ये कुछ भी मैटर नहीं करते हैं। मेरीमेंट मॉडल का मकसद ये होता है ये चीज़ चेक करना कि आया कि ये मॉडल ये वेरिएबल एक साथ एक मॉडल के अंदर रन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते वो चीज़ हमें मॉडल फिटनेस से पता चलती है और इनके अगेंस्ट जो डाटा आया क्या वो वैलिड इन स्केल्स को साबित कर रहा है कि नहीं कर रहा हमें वो चीज़ बताती है ये चीज़ तो जिस तरह मैंने ऊपर ऑर्गेनाइजेशन सर्वेंट लीडरशिप के क्वेश्चन फेंके अब ये मेरे पास सेवन आइटम्स वाला था सेवन आइटम वाला कौन सा है ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी अब मैं इसके क्वेश्चन यहाँ पर ड्रॉप करने लगाऊँ ओ पी वन है ओ पी टू है वही एहतियात है कि हमने रेड सर्कल के अंदर चीज़ को करना होता है सो कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस हमें दो चीज़ें बताता है एक मॉडल फिटनेस बताता है और एक हमें बताता है ये कन्वर्जेंट एंड डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी जैसे जैसे हम इन क्वेश्चन को ड्रॉप हैं साथ में उनके कंसेप्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं मॉडल फिटनेस क्या होता है मॉडल फिटनेस ये होता है कि हाँ ये चेक करना ज़रूरी है कि जिन चार वेरिएबल्स को हमने इस मॉडल के अंदर लिया हुआ है किन चार वेरिएबल्स की बात कर रहा करो जो हमारे पास मौजूद हैं ये चार वेरिएबल्स जो हमारे पास मॉडल के अंदर मौजूद हैं क्या इनको एक मॉडल में रखना क्या इनकी एक ही वक्त एक मॉडल के अंदर प्रेजेंस जस्टिफाइबल है कि नहीं है क्या ये एक वक्त में एक एक ही मॉडल के अंदर ठीक तरीके से वर्क कर सकते हैं कि नहीं कर सकते है? पहले ये चीज़ जानना ज़रूरी होती है तो ये मैंने सेवन आइटम्स परफॉर्मेंस की डालनी है अब ये टेन आइटम्स वाला है तो टेन आइटम मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग की थी उनको भी ड्रॉप कर लेता हूँ मॉडल फ़िटनेस जो हम चेक करते हैं वो डिफरेंट इंडिकेटर्स के थ्रू करते हैं अमाज़ के अंदर हमारे पास पांच इंडिकेटर्स होते हैं जिनके थ्रू हम मॉडल फ़िटनेस चेक करते हैं जब मॉडल फिटनेस का टेस्ट रन होगा तो वो इंडिकेटर्स वहाँ पे ज़्यादा बेहतर से समझ आ सकेंगे लेकिन वो इंडिकेटर्स का नाम होता है सी एम आई एन बाई डी एफ सी एफ आई जी एफ आई आई एफ आई एंड्रमसिया ये पाँच इंडिकेटर्स के थ्रू हम क्या नाम है सारी की सारी चीज़ डिटरमिन कर रहे होते हैं और इससे हमें मॉडल फ़िटनेस पता चलती है अगर ये पांच इंडिकेटर्स अपने थ्रेशल रेंजेस के अंदर आ जाएं तो इसका मतलब है कि ये मॉडल अपने इन तमाम चार वेरिएबल्स के साथ रन हो सकता है उसमें कोई इशू नहीं है लेकिन अगर वो मॉडल फिट ना आ रहा हो तो मतलब ये कि ये चार वेरिएबल्स इकट्ठे एक मॉडल के अंदर नहीं आ सकते वो इनके डाटा ने साबित किया है कि इनकी सैनर्जी इस आप इसमें नहीं बन सकते ये चीज़ भी जानना जरूरी है कि जो अमाउस है एक ये, ये टफ सॉफ्टवेयर है ये कम ईजी सॉफ्टवेयर नहीं है ठीक है ये रिजिड सॉफ्टवेयर है एनी हाउ ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग के भी हमने यहाँ पे आइटम्स मुकम्मल कर लिए हैं अब हम करते हैं ऑर्गनाइजेशन आइडेंटिफिकेशन के आइटम्स मुकम्मल ये ओ आई का हमने फर्स्ट आइटम डाल दिया जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो कन्वर्जेंट एंड डिस्क्रिम वैलिडिटी होती है ठीक है ना वैलिडिटी uh, का अगर जेनेरिक कंसेप्ट था जो आपको पहले भी इंटीमेट किया हुआ है डिफरेंट रिसर्च के सेशंस के अंदर कि जिन आइटम्स के थ्रू किसी वेरिएबल को मैयर किया जा रहा है क्या वो आइटम्स उस वेरिएबल को मैयर करने के लिए इनफ हैं कि नहीं है इस चीज़ को वैलिडिटी कहते हैं ठीक है वैलिडिटी जब हम अमाउंस के अंदर बात करते हैं सी एफ ए के अंदर कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस के अंदर तो वैलिडिटी फिर दो तरह की होती है एक को कहते हैं कन्वर्जेंट वैलिडिटी और एक को कहते हैं डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी कन्वर्जेंट वैलिडिटी क्या होती है कन्वर्जन वैलिडिटी ये होती है कि एक वेरिएबल की जो आइटम्स हैं वो अपने साथ ज़्यादा एसोसिएटेड हों बन दूसरे वेरिएबल की आइटम्स के साथ या दूसरे वेरिएबल के वेरिएबल के साथ फ़ॉर एग्जांपल अगर सर्वेंट लीडरशिप की आइटम्स हैं वो जितने अच्छे तरीके से सर्वेंट लीडरशिप को रिप्रेजेंट कर रही हैं उतने अच्छे तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी को रिप्रेजेंट ना करें जितना स्ट्रांगली वो अपने लेटेंट वेरिएबल यानी कि सर्वेंट लीडरशिप के साथ ये फोर्टीन आइटम्स लिंक्ड हैं उतना ही स्ट्रांगली वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी की फोर्टीन आइटम्स के साथ लिंक्ट नहीं हो सकती ये चीज़ क्या होती है कन्वर्जेंट वैलिडिटी ऑब्वियसली एक कॉमन सेंस है ना अगर ये फोर्टीन आइटम्स अपने वेरिएबल के बजाय इस ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी के साथ ज़्यादा स्ट्रांगली लिंक्ड होंगी तो उससे ये तासुर जाता है कि ये आइटम सर्वेंट लीडरशिप की हैं ही नहीं है फिर तो ये आइटम्स ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी की हुई ना तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए हम वैलिडिटी रन करते हैं और कन्वर्जन वैलिडिटी उसमें शामिल होती है और कन्वर्जन वैलिडिटी हमें सिंपली ये बताती है कि जो आइटम्स हैं किसी भी वेरिएबल की वो अपने वेरिएबल से ज़्यादा स्ट्रांगली एसोसिएटेड हों बस्बत दूसरे वेरिएबल के इस कन्सेप्ट को कहते हैं कन्वर्जेंट वैलिडिटी जो हमारे पास सेकेंड कन्सेप्ट होता है उसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी ये होती है कि एक वेरिएबल का लेट्स सपोज ये सर्वन लीडरशिप है तो सर्वन लीडरशिप का सर्वेंट लीडरशिप के साथ जो एसोसिएशन है जो कनेक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बनिस्बत बन दूसरे वेरिएबल्स के क्योंकि आपस के साथ सेल्फ कनेक्शन तो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए ना खुद के मतलब इन्फॉमेशन तो ज़्यादा स्ट्रॉग होनी चाहिए ठीक है ना अगर सर्वल लीडरशिप का खुद के साथ कनेक्शन वीक है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी या ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफिकेशन या ऑर्गनाइजेशन लर्निंग के साथ कनेक्शन ज़्यादा मजबूत है तो उसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली वेरिएबल है ही नहीं है वेरिएबल ये एक यही एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये दोनों बहुत स्ट्रांगली को रिलेटेड हो गए ठीक है ना तो जो खुद के साथ कोरिलेशन है वो स्ट्रांग होना चाहिए खुद के साथ एसोसिएशन स्ट्रांग होनी चाहिए बनस्पत दूसरे वेरिएबल्स के साथ इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी तो फ़र्क क्या है फ़र्क ये था कि कन्वर्जन में हम आइटम्स की बात करते हैं कि आइटम्स अपने वेरिएबल के साथ ज्यादा स्ट्रांगली एसोसिएटेड हों बनस्बत दूसरे वेरिएबल के साथ जबकि डिस्क्रिमिनेट के अंदर हम आइटम्स का जिक्र नहीं कर रहे हम वेरिएबल का जिक्र कर रहे हैं कि वेरिएबल ख़ुद के साथ ज़्यादा एसोसिएटेड हो बनस्बत दूसरे वेरिएबल्स के साथ ये दोनों तरह की वैलिडिटी के दरमियान डिफ्रेंस होता है सो so, ये ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफिकेशन थर्टीन एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफिकेशन फोर्टीन हमने इनको भी मुकम्मल कर लिया तो ये फोर्टीन uh, ये सारी की सारी आइटम्स हमने डाल दिए एक तरीके से जिस तरीके से आपको बताया अब नेक्स्ट फेज के अंदर हमने इनके नाम चूज करने हैं ये जो तो नाम हमने रखना है वेरिएबल का ये किस तरह से करना है कि हमने राउंड बॉक्स के ऊपर डबल क्लिक किया है ये नाम एक्जैक्टली exactly वो सेम नाम नहीं होना चाहिए जो यहाँ पे आइटम्स के नेम थे यानी कि हम वेरिएबल का नाम एस एल नहीं रख सकते एरर दे देगा और ना ही जो हमने वेरिएबल ट्रांसफॉर्म किया है एस सी आर एल ई ए ये दोनों नाम ये भी अगर हम रखेंगे ना तो तब भी एरर दे देगा ठीक है ना वो कहता है कि जो नाम आपने एस पी की शीट में रखा है ना वेरिएबल का या उसके आइटम का उससे मुख्तलिफ नाम रखना है यहाँ पे वेरिएबल का ठीक है न तो मैं डबल क्लिक करता हूँ वहाँ पर उसका नाम था एस ई आर एल ई ए तो यहाँ पर मैं एस एल ई ए इसका नाम रख देता हूँ फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ सिंगल और मैं इसका नाम रख देता हूँ वहाँ पर जो भी है तो मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन पी ओ आर प्रोडक्टिविटी यहाँ पे इसका नाम ऑर्गेनाइजेशन आई टी ई आइडेंटिफिकेशन और यहाँ पे इसका नाम ऑर्गेनाइजेशन एल ई ए लर्निंग ठीक है तो ये मैंने इनका नाम रख लिया और मैंने आपको स्किल किया बताई कि ये नाम डिफरेंट होने चाहिए जो एसपी की शीट पे नाम है अदरवाइज़ एक एरर आ जाएगा जो ये कहेगा कि योर एक्स वाइज ई वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एक्लिप्स जब वो वो एरर आएगा मतलब कि आपने नाम सेम रख लिया शीट वाला ऐसा नहीं होना चाहिए ओके okay, हमने ये चीज़ भी कर ली अब हमने ला जो सेकेंड लास्ट चीज़ करनी है वो ये करनी है कि हम प्लग में जाएंगे और यहाँ पे हम नेम अन ऑब्जर्व वेरिएबल्स को क्लिक करेंगे जैसे हमने नेम अनऑब्जर्व वेरिएबल्स को क्लिक किया तो हमें आ, ये पता चल गया कि हमारे ऑटोमेटिकली ये वाले बॉक्सेस फिल हो गए सारे के सारे ठीक है ये सारे के सारे बॉक्सेस फ़िल हो चुके हैं जिनके अंदर मेंशन ई वन ई टू ई थ्री फोर एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सारे एरर टर्म्स मेंशन हैं ई ट्वेंटी फोर ये ओ 12 13 थर्टीन फोटीन और यहाँ पे हमारे पास थर्टी वन थर्टी टू नहीं सॉरी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन ये सारे के सारे यहाँ पे नंबर्स मौजूद हैं ये होती है अनऑब्जर्व वेरिएबल पार्ट जो कि एरर टर्म होती है हमने इसको किस तरह से लेके आए थे प्लग में जाके नेम अनऑब्जर्व वेरिएबल किया था जो हमारा मेजरमेंट मॉडल इस शेप में पहुँच जाता है इसकी थोड़ी सी शेप मुझे चेंज करनी पड़ेगी सॉरी समिट्री को ख़त्म करता हूँ चल अब हमने क्या करना है हमने तमाम वेरिएबल्स को आपस में कोवेरिएट कर देना है कोवेरिएट मतलब क्या होता है ये एरो है डबल हेडेड एरो इसको चूज करते हैं मैं सेवन लीडरशिप को सब वेरिएबल्स के साथ कोवेरिएट कर दूँगा इसको इसके साथ देखना है ध्यान से कि दोनों जगह जब रेड हो जाए या ग्रीन हो जाए तो तब हमने उसको ड्रॉप करना है ओके okay? और फिर इसका इसके साथ फिर हमने ऑर्गेनाइज लीडरशिप को आइडेंटिफिकेशन के साथ ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप को ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी के साथ और फिर आखिर में ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफिकेशन को ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी के साथ इस वक्त तमाम के तमाम जो चार के चार वेरिएबल्स हैं वो आपस में कोवेरिएट हो चुके हैं किसी का किसी से कनेक्शन डिस्टर्ब नहीं है पहले मैंने इसका तीनों के साथ किया फिर इसका बाकी दो के साथ किया फिर इसका आखिरी के साथ कर दिया इस तरीके से सब आपस में कोवेरिएट हो गए कोई भी पाथ मिसिंग नहीं रहेगा अगर पाथ कोई मिसिंग रहा होगा तो इसके बाद एरर दे देगा हमें तो ये मेजरमेंट मॉडल की फाइनल शेप होती है शेप को आप इससे भी मजीद बेहतर बना सकते हैं देख रहे हैं कि मेरे एरोज आप इसमें ओवरलैप कर रहे हैं बेहतर था कि एरोज सारे के सारे इस पाथ के अंदर आ जाते हैं ताकि हमारे पिक्चर्स ठीक रहती है इसके तो एनी हाँ आप इसको बेहतर तरीके से ड्रा कर सकते हैं हम ये मैजिक स्टिक लेते हैं एक मतलब तो इस पर क्लिक कर देते हैं ताकि थोड़ा सा बेहतर हो जाए एनी हाँ तो हमने इसको इस तरीके से ठीक कर लिया अब हम मॉडल अपना मुकम्मल ड्रा कर चुके हैं ठीक है ना मॉडल मुकम्मल ड्रा करने के बाद हमारे पास ये कलरफुल पियानो की एक पिक्चर बनी होती है एनालिसिस प्रॉपर्टीज इस पर मैंशन है इसको क्लिक कर लेते हैं इसके आउटपुट पर आते हैं और आउटपुट में आने के बाद स्टैंडाइज एस्टिमेट्स को क्लिक करते हैं स्क्वेयर मल्टीपल कोरिलेशन को क्लिक करते हैं और हम मॉडिफिकेशन इंडस्ट्रीज को क्लिक करते हैं हम फैक्टर्स स्कोर वेट्स को क्लिक करते हैं कोवेरियंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड कोरिलेशन ऑफ एस्टिमेट्स हम इन इन बॉक्सेस को चेक कर देंगे पहले तीन लास्ट और यहाँ से सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ इनको हम बॉक्सेस को चेक कर देंगे और चेक करने के बाद इसको क्रॉस कर देंगे क्रॉस करने के बाद नाउ वी आर रेडी कि हम अपने एनालिसिस को रन कर सकें तो इस कलरफुल पियानो के साथ एक ब्लैक पियानो गिवन है हम उस ब्लैक पियानो को प्रेस करते हैं वो मुझे पूछता है कि किस लोकेशन में करूं तो मैं अपने डेस्कटॉप पे जाता हूं मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करने की कोशिश करता हूं इसका नाम रख देता हूँ सिंपल अमोस ओके इस फोल्डर में जाता हूँ किसी भी जगह पे आप सेव कर सकते हैं फाइल का नाम लेट्स डोज में यूट्यूब uh, अमोस रख देता हूँ अमोस सी एफ ए रन हो रहा है तो सी एफ ए कह देता हूँ इसको कोई भी नाम आप रख सकते हैं और आप सेव के बटन को प्रेस करते हैं ये थोड़ी सी वर्किंग आप देखेंगे अगर ये वर्किंग मुकम्मल हो गई है और यहाँ पे ऊपर ये ग्रे और रेड एरो एक्टिवेट हो गए हैं मतलब कि आपका टेस्ट रन हो गया यहाँ पे किस किस तरह के एरर्स आ सकते हैं ठीक है ना पहला एरर जो यहाँ पे आ सकता है मैंने आपको पहले ही बताया है वो ये कह सकते हैं कि कोई वेरिएबल इसमें से एक्लिप्स शेप का है अगर वो एरर आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि आपने ये वाला नाम वही सेम रख दिया है जो एस पी की शीट के ऊपर वेरिएबल का नाम था तो थोड़ा सा नाम बदलने से उस वेरिएबल का वो इशू रिजॉल्व हो सकता है एक एरर तो ये हो सकता था दूसरा एरर किस तरह का आ सकता है वो ये आ सकता है वो कहेगा कि फलाने का फलाने से ये को मिसिंग है जो हमने ड्रॉ किए ना वो एस एल ई टू ओ पी है फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम एक प्रैक्टिस करके देख लेते हैं ये मैं कोवेरियंस ख़त्म करता हूँ ठीक है मैं इसको खत्म करता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ तो उसने मुझे बता दिया कि जनाब ये ये वाला मिसिंग है ठीक है ना ये आपने ड्रा नहीं किया हुआ तो आप उसको ड्रा कर लेंगे आप कैंसिल करके पहले इस वाले को ड्रा कर लेंगे और उसके बाद आप दोबारा से एनालिसिस रन कर लेंगे ठीक है तो एक ये एरर आ सकता है ये दो एरर्स डेंजरस नहीं है एक थर्ड एरर जो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है वो कौन सा आ सकता है कि यहाँ पे एक लंबा चौरा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आ जाएगा जिसमें उसने बताया होगा कि जनाब फ़लानी चीज़ भी मिस है फलानी चीज़ मिस है ये नॉर्मेलिटी नहीं है या इंडस्ट्रीज ठीक नहीं है उसका मतलब है कि वो डाटा अमाउंट्स के ऊपर रन करने के लिए क्वालीफाई नहीं कर रहा उसमें मिसिंग वैल्यूज हो सकती हैं या उसमें जो डाटा के अंदर बहुत ज़्यादा मल्टीकोलिनियरिटी हो सकती है मल्टीकोलिनियरिटी लियरिटी क्या होती है कि आप इसमें सेम डाटा होना डिफरेंट वेरिएबल्स का तो वो डिफरेंट तरह के इश्यू की वजह से वो उसको रन नहीं कर सकता उसका कोई सोल्यूशन है उसका सोल्यूशन सिंपली एक है कि आपने जो एस के ऊपर ये बनाई थी कंपोनेंट मैट्रिक्स इसके अकॉर्डिंगली अपने मॉडल को सेट करें फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसके अकॉर्डिंगली कुछ करना पड़ता है इसके अकॉर्डिंगली मैं जो 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 भी पॉइंट फाइव से कम आइटम्स हैं उनको डिलीट कर दूँगा मैं आइडेंटिफिकेशन की आइटम्स उड़ा दूँगा कौन कौन सी पहली दूसरी तीसरी चौथी और पाँचवीं ये पांच आइटम्स मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि इनकी जो फैक्टर लोडिंग आई है पॉइंट फाइव से कम है मैं अपना थ्रेश होल्ड टेस्ट फाइव पॉइंट फाइव भी रख लेता हूँ ओवल टू की मैं ये वाली आइटम डिलीट कर दूंगा क्योंकि इसकी लोडिंग बहुत कम आई हुई है ठीक है ना इसी तरीके से आ, मैं ओ पी वन और ओ पी टू को ख़त्म कर दूंगा क्योंकि इनकी लोडिंग बहुत कम आई हुई है ठीक है और फाइनली आ, मैं यहाँ से कोई आइटम ख़त्म नहीं करूँगा सो so, हम आज के सेशन के अंदर आपको दोनों तरह से करके दिखाएंगे आइटम्स ख़त्म करके भी ताकि देखा जा सके कि रिजल्ट्स उनसे बेहतर होते हैं कि नहीं होते एनी हाउ हम मूव करते हैं आगे और आ, आ, अपने एनालिसिस पे वापस जाते हैं तो मैंने यहाँ पे ब्लैक ब्लैक एंड वाइट प्योनों को क्लिक कर लिया और मेरे पास ये चीज़ें रन हो गई सबसे पहले क्या करना है मैंने मैंने यहाँ पे स्टैंडर्डाइज एस्टीमेट्स को क्लिक कर लेना है और फिर मैंने ये रेड एरो बॉक्स को क्लिक करना है ये मेरे पास सारे के सारी फैक्टर लोडिंग्स वगैरह आ रही हैं या विद इन द एरोज देखने होंगे पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव सेवन पॉइंट सिक्स टू पॉइंट सिक्स फोर पॉइंट फाइव जीरो ये फैक्टर लोडिंग्स हैं सारी की सारी ठीक है ना हमारे लिए ये फैक्टर लोडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ये फैक्टर लोडिंग्स चाहिए होती हैं लेकिन टेबल की फॉर्म में मिल जाएंगी एनी हाउ ये एक वो पिक्चर है जो हमने अपने रिजल्ट के अंदर रिपोर्ट करनी होती है यहाँ इस पिक्चर को हमने अपने रिजल्ट्स के अंदर डालना होता है तो इसका तरीकाकार क्या होता है इसको एंटर करने का आपके लैपटॉप के यहाँ पे बना होता है कंट्रोल का बटन या फंक्शन का बटन और ऊपर प्रिंट स्क्रीन लिखा होता है किसी बटन के ऊपर लास्ट रो के अंदर कीबोर्ड की, की लास्ट रो के ऊपर आप उसको प्रेस करते हो तो मतलब आपका स्क्रीन ले लिया जाता है पिक्चर का आई एम यूजिंग एप्पल लैपटॉप तो इसमें अपना एक टूल यूज़ कर लेता हूँ कैप्चर स्क्रीन का मैंने ये स्क्रीन सेलेक्ट किए और मैंने इसे कैप्चर कर लिया ये मेरे पास इसका स्क्रीन शॉट आ गया अब मैं करूँगा क्या मैं इसको क्रॉप कर लूँगा मैं अपने क्रॉप के ऑप्शन देखूंगा कहाँ पे क्रॉप के ऑप्शन है लेट्स सपोज मेरे पास ये क्रॉप के ऑप्शन है तो मैं इसके अकॉर्डिंगली उसको क्रॉप करने जा रहा हूँ पिक्चर को इस तरह से मैंने क्रॉप कर लिया और क्रॉप करने के बाद मैं इस फाइल को सेव कर लूँगा और जब मेरे पास ये फाइल सेव हो जाएगी ठीक है ना तो मैं इसको आ, इस वाली फाइल को मैं अपने इसको आप किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू ओपन कर लें लेट्स सपोज मैं इसको फिर वक्त फोटोज़ के थ्रू ओपन कर लेता हूँ ये मेरे पास वो पिक्चर आ गई इसको आप किसी भी वर्ड की फाइल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपने अपना एनालिसिस इंपोर्ट करना है या जहाँ पे आपने अपना एनालिसिस शो करना है तो ये तरीका कार होता है जिसके थ्रू आप अपनी पिक्चर को ये वाली पिक्चर में ये मेरे मॉडल को सब्ट्रैक्ट करते हैं अपनी एनालिसिस की फाइल से सो so, मैं वापस जाता हूँ अपने एनालिसिस के अंदर तो ये हमारा पहला एनालिसिस पिक्चर हमारे पास आ गए लेकिन हमें चाहिए मॉडल फिटनेस के स्कोर्स और साथ में कन्वर्जन एंड डिस्क्रिमिन वैलिडिटी और सबसे पहले कौन सी चीज़ चाहिए मॉडल फिटनेस के स्कोर अब एक, एक चीज याद रखिएगा अगर हमने इस मॉडल में कोई चेंज करना ना तो इस फॉर्म के अंदर चेंज नहीं हो सकता क्योंकि देख रहे हैं कि सारे का सारा टूल बार ऊपर वाला ये डिसएक्टिव हो गया तो हम करेंगे क्या इसको वापस ग्रे वाले को क्लिक करेंगे यहाँ पे ऊपर और अब ये दोबारा से चीज़ें एक्टिव हो गई अब हम चेंज कर सकेंगे इस रेड वाली स्टेट के अंदर ये चेंज नहीं हो पाएगा एनी हाउ जहाँ पर यह ब्लैक एंड वाइट और कलर पियानो थी उसके नीचे ये एक और ब्लू एंड ब्लैक कैलेंडर है जिसके ऊपर व्यू टेक्स लिखा है ये बेसिकली आउटपुट है मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट ओपन हो चुका है यहाँ पे शो क्यों नहीं हुआ क्योंकि वो नीचे यहाँ पे मौजूद है अब मैं उस आउटपुट पे क्लिक करूंगा तो ये ऊपर आ गया हुआ है इसको मैं प्रेस कर लिया तो ये शो हो गया मेरे पास इसमें जो सबसे पहले देखनी है मेरी चीज़ें वो मॉडल फ़िट देखना है कि आया कि मेरा मॉडल इकट्ठा रन होने के लिए फ़िट है कि नहीं है ठीक है ना जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पांच इंडिकेटर्स होते हैं एक होता है सी एम आई बाई डी एक होता है जी एक होता है आई एक होता है सी और एक होता है हमारे पास ये रमसिया की वैल्यू इन पाँचों की एक थ्रेश रेंज है फॉर एग्ज़ाम्पल जो सी एम आई है ये थ्री से कम होना चाहिए इस टाइम ये थ्री पॉइंट नाइन से यानी कि फोर के करीब है ये थ्री से कम होना चाहिए था जो जी एफ आई है ये पॉइंट एट से ज्यादा सम समिसर्च कहते हैं पॉइंट एट से ज्यादा हो लेकिन आइडियल है कि पॉइंट नाइन से ज़्यादा हो लेकिन पॉइंट एट से ज़्यादा पर काम चल सकता है ठीक है ना अगर पॉइंट नाइन से ऊपर है तो क्या ही बात है आई एफ आई और सी एफ आई के लिए लाजमी है कि यह पॉइंट नाइन से ज्यादा हो क्योंकि इनकी थ्रेश रेंज पॉइंट नाइन से ज़्यादा होनी चाहिए ठीक है और रमसिया जो सा है कि पॉइंट जीरो ऐट से कम होना चाहिए ठीक है ना तो ये हमारे पास इनकी थ्रेश होल्ड रेंजेज हैं सी एम आई बाई थ्री से कम जी एफ आई पॉइंट एट से ज़्यादा या पॉइंट नाइन से ज्यादा आई एफ आई सी एफ आइव पॉइंट नाइन से ज़्यादा और जो रम्सिया है वो पॉइंट जीरो एट से कम होना चाहिए ये इनकी थ्रेश होल्ड रेंजेस हैं इस वक्त हमारे मॉडल में कोई भी रेंज ठीक नहीं आ रही ये सारी की सारी रेंजेस डिस्टर्ब हुई हुई हैं ठीक है ना तो पहले नंबर पर तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है एनी हाउ हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं उस तरफ चलते हैं अब आ, अगर हम इसको ठीक करना चाहते हैं तो यहाँ पे मॉडिफ़िकेशन इंडस्ट्रीज बने हुए हैं तो मैं मॉडिफिकेशन इंडस्ट्रीज पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये टेबल आ रहा है मॉडिफ़िकेशन इंडस्ट्रीज ये बताता है कि जिस तरह से हमने अपने मॉडल में आ, अपने वेरिएबल्स को कोवेरिएट किया था ना वो कहता है कि आपके मॉडल के आपके किसी एक वेरिएबल के अंदर इस तरह की आइटम्स हो सकती हैं जिनका आप इसमें कोवेरिएट करना ज़रूरी है अगर कोवेरिएट कर दिया जाएगा तो रिजल्ट बेहतर हो जाएंगे ठीक है उनको आपस में लिंक किया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे रिजल्ट्स तो हमने मॉडिफिकेशन इंडस्ट्रीज से ये देखना होता है कि किन किन आइटम्स को कोवेरिएट करने का बोला गया है अच्छा ये कैसे पता चलेगा किस आइटम को कोवेरिएट करना है और किस को कोवेडिएट नहीं करना सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप चेंज वाला एक कॉलम देख रहे हैं हमने किसी ऐसी आइटम को हाथ नहीं लगाना जिसके अगेंस्ट चेंज माइनस में हो लाइक हम इन दोनों को लिंक नहीं कर सकते ठीक है ना माइनस वालों को टच नहीं कर सकते हम फोर्टी और फोर्टी फोर को कोवेरिएट नहीं कर सकते क्योंकि चेंज माइनस में है हमने तो मॉडल इंप्रूव करना है ना तो हमें पॉजिटिव चेंज चाहिए नेगेटिव चेंज नहीं चाहिए तो किसी भी ऐसी चीज़ को कोवेरिएट नहीं करेंगे जिसके अगेंस्ट जो चेंज है माइनस में हो किसको करेंगे पॉजिटिव वाले को पॉइंट वन फोर थ्री को कर सकते हैं पॉइंट वन फोर फोर को कर सकते हैं पॉइंट वन थ्री थ्री वाले को कर सकते हैं ठीक है ना तो इनको कर सकते हैं अच्छा अब पॉजिटिव तो बहुत ज़्यादा है तो फिर पॉजिटिव में से किसको करना है जिनके लिए जो एम आई की वैल्यू है वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा हो बाकी तमाम वैल्यू से ये देख रहे हैं एट फोर फाइव सेवन फोटीन ये अचानक से टू फोटी फाइव आ गई है फिर अचानक से टू थर्टी फ़ाइव आ गई है तो हमें पता चल रहा है कि तो दो दो सौ से बड़ी भी चेंजेस मौजूद हैं हम नीचे इसको ड्रैग डाउन करते हैं और देखते हैं कि और भी कोई टू हंड्रेड की रेंज में वैल्यू है तो जब हमने ड्रैग डाउन किया तो हमें पता चला है कि टू हंड्रेड की रेंज के अंदर मज़ीद वैल्यूज़ शायद नहीं है इसके अलावा जो बड़ी वैल्यूज़ हैं वो इस तरह की हैं 45 फाइव है थर्टी फोर है उसके अलावा हमारे पास ये थर्टी सेवन है और थर्टी uh, एट है एंड इट ये हमारे पास लार्ज वैल्यूज़ हैं हम इनको लार्ज वैल्यूज़ कह लेंगे हमने इन इन आइटम्स को कोविडिएट करना है कौन से आइटम को टू फोर्टी फाइव के लिए जो आइटम है वो फोर्टी टू टू फोर्टी फाइव है वो कहता है फोटी टू और फोर्टी फाइव वाली आइटम को कोवेरिएट कर दो मैं इसको चूज करता हूँ एरो को ढूंढता हूँ फोर्टी टू और फोर्टी फाइव है तो मुझे पता चलता है कि इसमें तो फोर्टी टू एंड फोर्टी फाइव ये हमारे पास है E45 और ये है 42 ये 40 32 33 34 वगैरह थे तो यहाँ पे आया ई फोर्टी टू एंड ई फोटी फाइव मैंने इन दोनों को इस तरीके से कोवेडियट कर दिया ऊपर वाले राउंड बॉक्स को किसे किया राउंड बॉक्स को राउंड बॉक्स के साथ कोवेडिएट कर दिया मैं वापस जाता हूँ वहाँ पे और uh, देखता हूँ कि टू थर्टी फाइव में कहा गया था फोर्टी वन को फोर्टी फोर के साथ करने को अगेन ये देख लीजिए जो चेंज है वो पॉजिटिव के अंदर है इसलिए मैं इनको कर रहा हूँ अगर नेगेटिव के अंदर होती तो फिर जितना मर्जी बना था मैं कभी ना करता ये पॉजिटिव के अंदर चेंज कर रहा हूँ फोटी वन टू फोटी फोर के साथ तो ये हमारे पास फोर्टी फोर है और ये सॉरी फोर्टी वन है और ये फोर्टी वन से मैंने फोर्टी फोर को कोवेरिएट कर दिया अच्छा उसके बाद देखते हैं हमारे पास थर्टी फाइव था और थर्टी सेवन टाइप फिगर्स थी आ, ये थर्टी एट है ट्वेंटी फाइव को ट्वेंटी एट के साथ <coughs> ये ट्वेंटी फाइव है ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ये ट्वेंटी एट है ये मैंने इन दोनों को कर दिया ठीक है ना उसके बाद वापस आते हैं अपने आउटपुट पे ये थर्टी एट वाला भी रिजॉल्व कर दिया हमने उसके बाद हमारे पास ये थर्टी सेवन वाला है फ़िफ्टीन को थर्टी सिक्स के साथ अब यहाँ पे देखिएगा थर्टी सिक्स मेरे पास मौजूद है ये और फिफ्टीन मेरे पास मौजूद है ये अब ये क्वेश्चन किसी और वेरिएबल से बिलोंग करता है और ये क्वेश्चन किसी और वेरिएबल से बिलोंग करता है मैं इनको आपस में कोवेरिएट नहीं कर सकता चाहे रिज़ल्ट मेरे जितने मर्ज़ी अच्छे आ जाए कि मुझे लीगली इनको कोवेरिएट करने की इजाज़त नहीं है तो मैं इनको कोवेरिएट नहीं करने लगा इनको कोवेरिएट नहीं किया जाएगा ठीक है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा अच्छा अब आगे इसे चलते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है तो मैंने अगले अगले देखते हैं तो हम नहीं कर पाए क्योंकि फिफ्टीन को थर्टी के साथ था दूसरा वेरिएबल था अब मेरे ख्याल से सारे इस तरह के होंगे जो दूसरे वेरिएबल के साथ होंगे जिसमें थर्टी नहीं थर्टी फोर है जिसमें टू को थ्री के साथ किया गया है और फोर्टी फाइव है जिसमें वन को थ्री के साथ यानी कि टू को थ्री और वन को थ्री के साथ कर लेते हैं वापस आते हैं अपने पिक्चर में आ, ये टू को थ्री के साथ और वन को थ्री के साथ हमने ये कोविडेट कर लिए ये हमने किसके अकॉर्डिंगली किए ये हमने मॉडिफिकेशन इंडस्ट्रीज जो यहाँ से निकाले थे उनके अकॉर्डिंगली किए हैं क्या क्या दो चीज़ें देखी थी नंबर वन चेंज पॉजिटिव के अंदर हो और एम की वैल्यू सिग्निफिकेंटली ज़्यादा हो बाकी तमाम वैल्यू से ठीक है वो वैल्यू थर्टी से बड़ी हो सकती है बासकिस में फिफ्टी से बड़ी आप उसको इमेजिन कर सकते हैं आपकी मर्जी है लेकिन किसी ऐसी वैल्यू को नहीं कर देना जो माइनस में हो हमने किया किस तरह से जिस जिस आइटम को उसने बताया हुआ था हमने उनको आपस में कोवेलिएट कर दिया एनी का जब ये कर लिया तो मैं एक बता आपको फिर मॉडल फिटनेस का रिजल्ट दिखाऊँ ताकि पता चल सके इंप्रूवमेंट कितनी आई है सी एम एम बाई है जी एफ आई तकरीबन पॉइंट सिक्स एट है सी एफ आई पॉइंट सिक्स है आई फाई पॉइंट सिक्स है और रमसिया की वैल्यू बहुत बुरी है पॉइंट वन वन फोर है मैं इसके आपको आइडियल रेंज ऑलरेडी बता चुका हूँ तो मैं मॉडल में आता हूँ और मॉडल को दोबारा रन करता हूँ अब ये मॉडल रन हो गया हमारे पास मैं दोबारा से आउटपुट के अंदर जाता हूँ और अब की मरतबा मॉडल फिट के रिजल्ट देखता हूँ तो सी एम एम बाई डी एफ हमें पहले जो चार थी वो वन पॉइंट सेवन थ्री हो गई है हमें कितनी चाहिए थी हमें ये वैल्यू थ्री से कम चाहिए थी मतलब अब ये मॉडल फिट है ठीक है जी एफ आई की वैल्यू जो पहले पॉइंट सिक्स से एट थी वो पॉइंट सेवन सिक्स हो गई है अगर हम इसको राउंड करना चाहें तो ये एट जीरो हो जाती है वैल्यू ठीक है ना ये भी अपनी एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर आ जाती है आई एफ आई और सी हमें पॉइंट नाइन से ज़्यादा चाहिए थे ये ऑलरेडी पॉइंट नाइन से ज़्यादा हो गए हैं ठीक है ना ये पॉइंट नाइन से ज़्यादा इनकी वैल्यू आ चुकी है रमसिया की वैल्यू हमें पॉइंट जीरो एट से कम चाहिए थी वो वो पॉइंट जीरो फाइव सिक्स हो चुकी है तो इस तरीका कार के थ्रू हमारा मॉडल तो फिट हो गया इसे कहते हैं फिटेड मॉडल हम इसकी पिक्चर लेकर अपने क्या नाम है रिजल्ट के अंदर डाल सकते हैं और वहाँ पर हम इनको पोर्ट्रे कर देंगे आ, तरह मैंने आपको पहले स्क्रीन शॉट के थ्रू ये काम करना सिखाया सो so, अब आ, हम आ, चलते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ की तरफ जो कि है कन्वर्जेंट एंड डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी के रिजल्ट्स, कि कन्वर्जेंट एंड डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी के रिजल्ट्स कहाँ से आएंगे उस चीज़ को देखते हैं कन्वर्जेंट एंड डिस्क्रमिन वैलिडिटी के रिजल्ट्स के लिए आपको एक चीज़ दी गई है जिसको स्टैट्स टूल्स पैकेज कहते हैं स्टैट्स टूल पैकेज बेसिकली आ, एक मैक्रो है जो कि स्टैट विकी की वेबसाइट से मिलता है स्टैट विकी आपको मुकम्मल तौर पे इन सारे सॉफ्टवेयर सिखाती है स्टेटिस के जो रिसर्च के सॉफ्टवेयर है वो सिखाती है तो आपको डाउनलोड करने के बजाय यहीं पे प्रोवाइड कर दिया गया है स्टैट्स टूल पैकेज आप इसको चूज करते हैं ये ओपन होता है ओके सबसे पहले आपने यहाँ देख लेना है कि आपको यहाँ पे कोई इनेबल मैक्रोज का एरो तो नहीं दिया हुआ इनेबल कंटेंट का एरो तो नहीं दिया हुआ या डिसेबल मैक्रोज का एयरो तो नहीं दिया हुआ तो उसको इनेबल कर लेना है ठीक है ना या शीट को भी इनेबल कर लेना है डिसेबल फॉर्म में ये नहीं होएगा अब वो कह रहा है कि अपने इस जगह पे इस टैब के अंदर को रिलेशन का टेबल पेश करो और इसके अंदर स्टैंडर्डाइज रिग्रेशन वेट का टेबल पेश करो तब मैं कैलकुलेट करूँगा जो कन्वर्जेंट एंड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है तो मैं यहाँ पे कोरिलेशन का और यहाँ पे स्टैंडाइज रिलेशन का पेस्ट करना चाहता हूँ टेबल वो कहाँ पे मौजूद है मैं अपने रिजल्ट्स के अंदर आता हूँ आउटकम के अंदर आउटकम के अंदर कहाँ से आए थे हम ये हमारे पास शीट थी ओके okay. यहाँ ये आउटपुट यह था आउटपुट के फोल्डर में चले जाते हैं हम ये आउटपुट है यहाँ पे हमारे पास एस्टिमेट्स गिवन है मैं एस्टिमेट्स पे क्लिक नहीं करने लगा मैं प्लस के साइन पे क्लिक कर रहा हूँ फिर मैं स्केलर्स के प्लस के साइन को क्लिक करके एक्सपेंड कर रहा हूँ मुझे पहले चाहिए कोरिलेशन तो मैं कोरिलेशन्स पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर क्लिक किया राइट right क्लिक करके कॉपी किया एस्टिमेट्स में क्या स्केलर्स में किया कोरिलेशन में क्लिक किया, किया इस पर क्लिक करके राइट right क्लिक करके मैंने कॉपी किया इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे अपने इसको पेस्ट कर दिया उसके बाद इस जगह पे मैंने स्टैंडर्डाइज स्टैंडाइज्रेशन वेट पेस्ट करने हैं अपने ठीक है ना स्टैंडर्डाइज स्टैंडाइज्रेशन वेट कैसे पेस्ट होंगे वापस जाता हूँ आउटपुट के अंदर अब कि मतलब कोल्ड लेशन पर क्लिक करने के बजाय स्टैंडर्डाइज स्टैंडाइज्रेशन वेट्स पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करके इसको कॉपी किया और यहाँ पर आ गए हम यहाँ पर रख के इसको पेस्ट कर दिया हमने पेस्ट करने के बाद हमने इस रेड वाले बटन को क्लिक किया तो हमारे पास ये एक टेबल सामने शो हो गया So, uh, ये टेबल जो रिजल्ट्स हमें दे रहा है ये इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेट एंड कन्वर्जन वैलिडिटी के रिजल्ट ओके okay? सबसे पहले देखते हैं कि इनमें से कौन से कन्वर्जन वैलिडिटी के रिजल्ट हैं और कौन से डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी के रिजल्ट हैं ठीक है जो ये सी और ए के रिजल्ट हैं ये कन्वर्जन वैलिडिटी को शो कर रहे हैं और जो ये डायगनल बने हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यह जो डाइग्नल एक शेप है ये शो करी है डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी के रिजल्ट्स को ठीक है ना पहले बात कर लेते हैं कन्वर्जन वैलिडिटी को सी आर की वैल्यू पॉइंट सेवन से ज़्यादा होनी चाहिए इसकी थर्शियल रेंज कितनी है पॉइंट सेवन तो हमारे पास ये सबकी सी आर की वैल्यू पॉइंट सेवन से ज़्यादा आ रही है ये होती है कंपोजिट रिलायबिलिटी ये उस क्रोनबैक अल्फ़ा की रिलायबिलिटी से डिफरेंट चीज़ है तो उसको मिक्स ना कीजिए अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आई एफ आई का का मतलब है सी एफ आई का का मतलब है जी एफ आई का क्या मतलब है रमसिया का मतलब क्या है कंपोजिट रिलायबिलिटी का मतलब क्या है ये सब चीज़ें आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं हम इस एनालिसिस सेशन के अंदर उसके ऊपर वर्क स्पेंड नहीं कर सकते तो इस सीआर के मतलब है कंपोजिट रिलायबिलिटी ये अपनी थ्रेश रेंज के अंदर है ए वी स्टैंड फॉर एवरेज वेरियंस एक्सट्रैक्टेड इसकी वैल्यू पॉइंट फाइव से ज़्यादा होनी चाहिए किससे ज़्यादा होनी चाहिए पॉइंट फाइव से ज़्यादा होनी चाहिए अगर पॉइंट फाइव से ज़्यादा होगी तब क्या नाम है हमारी कन्वर्जन वैलिडिटी एग्जिस्ट करेगी जिस तरह आप देख रहे हैं कि तमाम वेरिएबल्स के लिए पॉइंट फाइव से कम है इसका मतलब ये है कि इस डाटा के अंदर हमारे पास कन्वर्जन वैलिडिटी किसी भी वेरिएबल के अगेंस्ट मौजूद नहीं है ठीक है क्योंकि इसकी वैल्यू पॉइंट फाइव से कम है ठीक है इसके बाद आते हैं डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी पे ऊपर तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी चीज रेड नहीं हुई मतलब ये ठीक है किस तरह से सर्वेंट लीडरशिप का इस सर्वेंट लीडरशिप का यहाँ पे सर्वेंट लीडरशिप का साथ रिले पॉइंट सिक्स सेवन सिक्स और अब सर्वेंट लीडरशिप का बाकी तमाम वेरिएबल के साथ जो रिलेशन है वो पॉइंट सिक्स सेवन सिक्स से वीक है यानी कि सर्वेंट लीडरशिप का जितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप सर्वेंट लीडरशिप के साथ है उतना स्ट्रांग रिलेशनशिप बाकी तीनों वेरिएबल के साथ नहीं है ऑर्गनाइन लीडरशिप का खुद के साथ रिलेशन है पॉइंट फाइव एट नाइन ये ऑर्गनइन लीडरशिप ये लीडरशिप सॉरी ऑर्गन लर्निंग सॉरी तो ये पॉइंट फाइव एट नाइन है अब बाकियों के साथ रिलेशनशिप वीक है ऑर्गनइन uh, आइडेंटिफिकेशन के साथ पॉइंट फोर थ्री फोर है ऑर्गनइन प्रोडक्टिविटी के साथ पॉइंट फाइव फोर फोर है और ऑर्गनाइजेशनल और क्या नाम है uh, जो सेवन लीडरशिप है उसके साथ वो पॉइंट फोर थ्री थ्री है तो मतलब कि ये पॉइंट फाइव सबसे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है ठीक है ना तो इसलिए चूँकि ये ऊपर जो बोल्ड वैल्यूज हैं ये शो कर रही हैं कि हमारे पास आपस में रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है बाकी के साथ वीक है इसका मतलब ये हुआ कि हमारे डेटा के अंदर डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी मौजूद है अच्छा अब क्वेश्चन आता है कि हमारी मॉडल तो फिट आ गया है तो फिर ये वैल्यू क्यों नहीं फिट आई एवरेज वेरियंस एक्सट्रैक्टेड इसकी रीजन वही थी जो मैंने अभी आपको एस पी एस एस के रिज़ल्ट के अंदर बताई थी वापस चलते हैं एसपी एस एस के रिजल्ट के अंदर या आप देख रहे हैं कि बहुत से आइटम जिस तरह की हैं जिनकी लोडिंग जो सी है वो पॉइंट फाइव जीरो से कम है हालांकि हम तो कहते हैं कि लोडिंग पॉइंट सेवन जीरो से ज़्यादा हो फिर उसको लीनियंट कर देते हैं कि पॉइंट सिक्स जीरो से ज़्यादा हो फिर हम कहते हैं चलो यार पॉइंट फाइव जीरो से ज़्यादा ज़रूर हो ना तो यहाँ पे तो पॉइंट फाइव जीरो से भी कम है तो असूली तौर पे मॉडल में से हमें इन आइटम्स को डिलीट कर देना चाहिए जिन जिन की लोडिंग पॉइंट फाइव जीरो से कम है फिर रिजल्ट्स निकालने चाहिए क्या रिजल्ट्स बेहतर हुए अगर फिर भी आइडियली नहीं आता तो फिर उन आइटम्स को भी निकाल दें जिनकी पॉइंट सिक्स जीरो से कम है अल्टीमेटली हमारे रिजल्ट्स ठीक हो जाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि हम एक वेरिएबल की कितनी आइटम्स को डिलीट कर सकते हैं हम एक वेरिएबल की 25 परसेंट आइटम्स को डिलीट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर एक वेरिएबल के अंदर हंड्रेड एक वेरिएबल की जो आइटम्स हैं वो लेट्स सपोज 10 हैं ठीक है ना तो 10 का 25 परसेंट कितना होएगा हमारे पास टू पॉइंट फाइव यानी कि हम टू पॉइंट फाइव आइटम्स डिलीट कर सकते हैं दो आइटम डिलीट कर सकते हैं या मैक्सिमम तीन आइटम डिलीट कर सकते हैं इसके अलावा हम आइटम डिलीट नहीं कर सकते सो so, अगर एक वेरिएबल के अंदर आइटम्स हैं एट तो उसका मतलब है कि हम सिर्फ टू आइटम्स डिलीट कर सकते हैं अगर एक वेरिएबल के अंदर आइटम्स हैं ट्वेंटी तो उसका मतलब ये हुआ कि हम फोर आइटम्स डिलीट कर सकते हैं तो ये फार्मूला होता है कि हम एक वेरिएबल की मैक्सिमम जो ट्वेंटी फाइव परसेंट आइटम्स हैं उनको डिलीट कर सकते हैं सो लेट्स पोज लेट्स पोज कि फिर अगर हम सिर्फ ट्वेंटी फाइव परसेंट कर सकते हैं तो इसकी तो चौदह आइटम्स थी चौदह आइटम्स के हिसाब से हमें तकरीबन तीन आइटम डिलीट करनी चाहिए लेकिन अगर हम वो पॉइंट फोर वाला रूल देख रहे हैं तो यहाँ पर तो एक दो तीन चार <coughs> और पाँच वो डिलीट हो रही हैं तो देखें इसमें इस, इस आइटम के अगेंस्ट क्रॉस लोडिंग का इश्यू नहीं है तो हम इसको तो चेंज ना करें इसके अगेंस्ट भी क्रॉस लोडिंग का इश्यू नहीं है तो इसको भी ना चेंज करें हम ओ आई वन को ओ आई फोर को और ओ आई थ्री को रिमूव कर देंगे ठीक है इसी तरह से इससे अंदर से हम प्वाइंट फोर फोर वन को रिमूव कर देंगे तो कहने का मकसद यह है कि हमें जब इसकी अगर वैल्यू बेहतर चाहिए ठीक है ना पॉइंट फाइव से ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए हमें अपनी उन आइटम्स को माइनस करना पड़ेगा जिन आइटम्स की लोडिंग पॉइंट फाइव से कम या पॉइंट सिक्स से कम इवन है उनको डिलीट करना पड़ता है डिलीट करने का रूल क्या है मैं आपको इंटीमेट कर चुका हूँ तो डिलीट जब करेंगे तो डेफ़िनेटली वो आइटम्स यहाँ से डिलीट होंगी फिर हम उतनी आइटम्स ड्रा ही नहीं करेंगे तब हम ऑनलाइन आइडेंटिफिकेशन की जो आइटम्स ड्रा करेंगे वो चौदह की बजाय ग्यारह करेंगे हम जो ऑनलाइन लर्निंग की करेंगे वो दस की बजाय नौ करेंगे इसी तरह से जितनी जितनी डिलीट करनी है उतनी ही कम आइटम्स ड्रा करेंगे उनको मॉडल में से निकाल देंगे और उनके बगैर अपना मॉडल रन करके देखेंगे तब डेफिनेटली तौर पे ये रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे ओके तो ये हमें चाहिए होता है पहला एनालिसिस जो हमने रन किया कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस का जिसके अंदर कन्फर्मेटी फैक्टर एनालिसिस के अंदर हमारे पास मॉडल फिटनेस के रिज़ल्ट आते हैं वो रिज़ल्ट कहाँ मौजूद होते हैं वो रिज़ल्ट हमारे पास यहाँ मौजूद हैं मॉडल फिट के अंदर हमारे पास पाँच इंडिकेटर हैं जो आपको बता दिए गए फिर हमारे पास ये स्टैट टूल पैकेज है जिसके अंदर हमने दो टेबल्स डाले वो दो टेबल्स कहाँ से डाले हमने आउटपुट के अंदर आके मेट्रिक एस्टिमेट्स के अंदर जाके वहाँ पे स्केलर्स के अंदर जाके पहले कोरिलेशन का पेज किया फिर स्टैंडर्डाइज ग्रेशन वेट का वहाँ पे एक जगह पर पेश किया और उसने हमें वो वैल्यूज दे दी ठीक है ना ये तरीकाकार होता है यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो ये होती है शीट ये वाली इस टेबल को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो उसको फाइल सेव एज कीजिएगा ताकि ये वाली जो मेन फाइल है ये आपके पास हमेशा मौजूद रह सके ये आप इस इसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए कंज्यूम ना कर लें तो मैं एस 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 में जाके अपने डेस्कटॉप में जाके जो मैंने फोल्डर बनाया सैम्पल अमोस का वहाँ पर मैं इसका नाम रख देता हूँ वैलिडिटी और यहाँ पे मैं उसको सेव कर देता हूँ ताकि जो ओरिजिनल फाइल है मेरे पास वो क्या नाम है कहीं पे वेस्ट ना हो जाए ओके सो मैं उसको ख़त्म कर दिया अब वापस आ जाते हैं हम अपनी शीट के ऊपर तो हम पहला एनालिसिस रन कर चुके हैं कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस ये हमारे पास समझ लीजिए कि सॉर्ट ऑफ डाटा स्क्रीनिंग ही है ठीक है ना लेकिन असल जो एनालिसिस है हमारे पास वो स्ट्रक्चर के मॉडलिंग है जिसके अंदर हम पाथ एनालिसिस करते हैं आइए अब उस एनालिसिस की तरफ चलते हैं अच्छा हम पाथ एनालिसिस रन करना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम फाइल को न्यू कर लें हम इस फाइल के ऊपर तो रन नहीं कर सकते इस फाइल को सेव करने का तरीकाकार क्या है फ़ाइल को सेव ऐस कीजिए सेव ऐज करने के बाद आप क्या नाम है अपने जिस भी फोल्डर में सेव करना चाहते हैं ये इनपुट फाइल है तो इसको मैं डेस्कटॉप में जहाँ मैंने फोल्डर बनाया हुआ है सैम्पल मॉस का वहाँ भी मैं इस फाइल को सेव करूँगा इसका नाम लिख देता हूँ सी एफ ए मॉडल सेव इसी तरह से मुझे आउटपुट को भी सेव करना होगा कि आउटपुट में जाते हैं ठीक है ना और आप किसी भी चीज़ को क्लिप बोर्ड पर कॉपी कर सकते हैं ये प्रिंट क्या आपको ऑप्शन दे रहे हैं अच्छा जब आप उसको सेव करते हैं वहाँ से तो साथ में आपका आउटपुट भी सेव हुआ होता है ठीक है ना आपको सेपरेट से सेव करने की जरूरत नहीं है एनी हाउ Uh, मैं इसको क्रॉस करता हूँ और इस फाइल को मैं न्यू करने लगाऊँ अब मेरे पास न्यू फाइल आ गई है अब मैंने जो टेस्ट रन करना है वो सेकंड रन करना है स्ट्रक्चर वोकेशनल मॉडलिंग का जिससे हमें पाथ एनल से पता चलेगा मेरे कौन कौन से हाई पॉसिस एक्सेप्टेड हैं कौन से रिजेक्टेड हैं अगेन पहले की तरह व्यू में गए और uh, uh, हमने इंटरफेस प्रॉपर्टीज़ में जाके स्क्रीन साइज़ बड़ा कर लिया पेपर साइज हमने ए कर लिया और अप्लाई कर दिया ये मेरे पास ये साइज़ बड़ा हो चुका है और पहले की तरह अपनी शीट लोड कर ली क्योंकि मेरे पास लोड है मैं दोबारा नहीं करने लगा फाइल नेम्स जाकर कर आप लोड कर सकते हैं अब हमने इस स्टेयर के वाले बटन को ओपन किया पहले भी हमने यहाँ से स्टार्ट किया था अब हमने यहाँ वेरिएबल डिज़ाइन नहीं कर ले क्योंकि हमारे वेरिएबल ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हुए हुए हैं ये देखिए ये सवनल लीडरशिप ऑलरेडी मौजूद है ये मेरे पास ऑर्गेनाइजेशनल जो आइडेंटिफिकेशन है वो मेरे पास मौजूद है जो मीडिएटर होगा मेरा मेरे पास ऑर्गेइज लर्निंग जो मेरा मॉडरेटर है वो मौजूद है ऑर्गेनाइज प्रोडक्टिविटी मेरा जो सा वेरिएबल है वो भी मेरे पास मौजूद है तो मेरे पास वेरिएबल्स मौजूद हैं एक मतलब तो मैं दोबारा मॉडल की शेप देख लूँ ओके ठीक है लर्निंग हमारा मॉडरेटर ही था ओके सो मैं अगर इनकी तरतीब चेंज करना चाहता हूँ तो मैं थोड़ी सी तरतीब चेंज कर देता हूँ मॉडरेटर किसके के है मीडिएटर और डिपेंडेंट के दर है फ़ाइन सो मैं ट्रक के बटन को पकड़ के इनकी तरतीब को जहाँ से भी चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ उसका इशू नहीं है ओके सो so, इनको मैंने चेंज कर लिया अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ एस के अंदर स्ट्रक्चर क्वेश्चन मॉडलिंग के अंदर मॉडरेटर को आप नहीं टैकल कर सकते मॉडरेटर अलग से टैकल होगा मॉडरेटर इस वाले एनालिसिस के अंदर टैकल नहीं होगा तो मैं क्रॉस के बटन को चूज़ करके इसको डिलीट करने लगा पहले मीडिएशन इसके साथ ही रन हो जाएगी मेन एनालिसिस के साथ और उसके बाद हम मॉडरेटर को सेपरेट से रन करेंगे ये एस ये अमॉस की लिमिटेशन है तो मैं एरो को चूज करता हूँ सिंगल हेडेड एरो को और ये ड्रा कर दिया ये ड्रा कर दिया और ये भी ड्रा कर दिया ठीक है, है? आ, अगर हमारे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होंगे तो अगर वो एक से ज्यादा हैं तो फिर हम क्या करेंगे उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को आप इसमें कोवेडिएट भी करेंगे इस तरह से जिस तरह हमने पहले किया था सब वेरिएबल को आप इसमें कोवेडिएट कर देंगे ये चीज लाजमी होती है एनी हो यहाँ पर एक ही है तो मैं अभी वो नहीं करने लगा ऑर्गेनाइज इनोवेशन और, और परफॉर्मेंस है मैं ये स्टैम्प के बटन को चूज़ करता हूँ और ये यहाँ पे बलूनस के नीचे ये स्टैम्प का बटन है मैं यहाँ रख के इसको प्रेस करता हूँ और फिर यहाँ पे रख के इसको प्रेस करता हूँ जितने भी मीडिएटर होंगे या जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे हम उन पे क्लिक करेंगे ज़रूर ताकि उनके अगेंस्ट ये सर्कल बन जाए इसे कहते हैं एरर टर्म जिसे हम पहले भी हमने बनाए थे और अब इनको फिल करने के लिए मैं प्लगिज में जाके नेम अनऑब्जर्व वेरिएबल्स को क्लिक कर दूँगा ये नेम अनऑब्जर्व वेरिएबल्स हो गए सो so, ये हमने काम कर लिया मुकम्मल और इसके बाद कोई और काम रहता है इसमें नहीं हमारा मॉडल ड्रा हो चुका है अब हमने इसको बताना है कि कौन कौन सा टेस्ट हमने रन करना है तो अनालिसिस प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं आउटपुट में जाते हैं अब की बार हमने रन करना है स्टैंडर्ड एस्टिमेट्स चाहिए कोरिलेशन चाहिए अब की बार हमें ये नहीं चाहिए मॉडिफिकेशन डिस हमें इनडायरेक्ट डायरेक्ट एंड टोटल इफेक्ट चाहिए हमें वेट्स नहीं चाहिए कोवेरियंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड कोरिलेशन ऑफ एस्टिमेट्स चाहिए तो हमें हमें ये वाली छः चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जिनको मैंने चेक किया है आप भी चेक कर लीजिएगा बूट स्ट्राइप पर क्लिक करेंगे और पहले तीनों ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे <coughs> हमने तीनों ऑप्शन को क्लिक कर दिया और <coughs> क्लिक करने के बाद हमने इसको क्रॉस कर दिया तो मैंने आउटपुट और दोनों तो के अंदर चेंजेस कर ली अब रेस्ट रन करने के लिए उसी तरह से ब्लैक एंड वाइट पियानो को क्लिक करेंगे वो पूछेगा पे सेव करो मैं कहता हूं वहीं पे सेव करो आपकी नाम इसका नाम रख देना यूट्यूब सेम ओके वापस आते हैं मॉडल के ऊपर ओके okay, मैंने मॉडल रन कर लिया सब उसी तरह से पहले ग्रे था अभी रेड भी वर्किंग में आ गया रेड को क्लिक किया स्टैंडर्ड एस्टिमेट को क्लिक किया तो मेरे पास ये पिक्चर आ गई है so, सबसे पहले देखते हैं ये पिक्चर क्या बता रही है ये पिक्चर ये बता रही है कि सर्वन लीडरशिप का जो ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफिकेशन पर जो इम्पेक्ट है वो पॉइंट है यानी कि फोर्टी है इसका मतलब ये है कि सर्वन लीडरशिप का अगर एक यूनिट इंक्रीज़ करते हैं तो फोर्टी इंक्रीज़ होता है ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफिकेशन के अंदर थर्टी टू पॉइंट थ्री टू का मतलब यह है कि जो ऑर्गेइज इनोवेशन का इम्पैक्ट ऑर्गेइन परफॉर्मेंस पे है वो थर्टी टू परसेंट है यानी कि अगर हम ऑर्गेइन जो आइडेंटिफिकेशन है अगर उसका एक यूनिट इंक्रीज करते हैं तो थर्टी टू परसेंट इंक्रीज आता है ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस के अंदर जो सेवन लीडरशिप का इम्पैक्ट है ऑर्गनाइ परफॉर्मेंस के ऊपर वो ट्वेंटी वन परसेंट है यानी कि एक यूनिट इंक्रीज करते हैं तो ट्वेंटी वन परसेंट इंक्रीज आता है ऑर्गनाइजेशनल परफॉर्मेंस के अंदर ठीक है ना ये कुछ वैल्यूज़ गिवन है इनके ऊपर भी वेरिएबल के ऊपर जिसना मीडिएटर के ऊपर पॉइंट टू वन गवन है परफॉर्मेंस के ऊपर भी पॉइंट टू वन गिवन है तो इसका मतलब ये है ये है आर्ट स्केर की वैल्यूज़ एडजस्टेड आर्ट स्केर की वैल्यूज़ हैं कि जो टोटल डिफरेंस आ रहा है सब वेरिएबल की वजह से प्रोडक्टिविटी के अंदर वो ट्वेंटी वन परसेंट है एंड सेम गोज कि जो इसके अंदर भी टोटल वेरियंस आ रहा है वो ट्वेंटी वन परसेंट है सो so, ये हमें ये तो बता देता है कि अफेक्ट कितना कितना है हम सेम इस पुराने वाले तरीक़े से जिस तरीके से हमने सी एफ ए की डायग्राम को सेव किया था स्क्रीन शॉट ले कर और वो सारा काम करके इसी तरीके से हमने इसकी डायग्राम को भी सेव कर लेना इसकी डायग्राम को भी इस तरह से क्रॉप करके सेव कर लेंगे हम ठीक है स्क्रीन शॉट लेने के बाद क्योंकि ये भी हमने ऐड करनी होती है अपने एनालिसिस के अंदर अब हमने देखने इसके रिजल्ट्स जो हमें बता सकें कि आया कि हमारे दो हाईपोस हैं पहला हाईपोस ये है कि सर्विल लीडरशिप हैज अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन ऑर्गेनाइन परफॉर्मेंस आया कि वो सिग्निफिकेंटली एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंस नहीं भी आ रही ठीक है ना दूसरा है कि है इनोवेशन हैज़ अ सिग्निफिकेंट मीडिएटिंग रोल इन द रिलेशनशिप बिटवीन सर्विल लीडरशिप एंड ऑर्गनाइन परफॉर्मेंस ये देखना क्या ये सिग्निफिकेंटली एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा ये दो चीज़ें देखने के लिए हम कहाँ पर आएंगे उसी तरह आउटपुट में आएंगे ये आउटपुट पर क्लिक किया और एस्टिमेट्स uh, में चले गए एस्टिमेट्स uh, में, में जाने के बाद हम स्केलर्स में गए स्केलर्स में जाने के बाद हम रिग्रेशन वेट्स के अंदर गए सबसे पहले सर्वेंट लीडरशिप का हमने ऑर्गेनाइम प्रोडक्टिविटी पे देखना है तो वो वो इम्पैक्ट है पॉइंट टू जीरो एट यानी कि ट्वेंटी पॉइंट एट परसेंट ये देखने के लिए कि ट्वेंटी पॉइंट एट परसेंट सिग्निफिकेंट है कि नहीं है ये नीचे आप देख रहे हैं कुछ बूट के टैब्स एक्टिव हो गए हैं इनमें से मैं एक बूट स्टैप कॉन्फिडेंस वाले को क्लिक करूंगा जब मैंने कॉन्फिडेंस वाले को क्लिक किया तो ये पॉइंट टू जीरो एट के साथ साथ ये पी वैल्यू भी आ गई जो कि है पॉइंट डबल जीरो नाइन हम कब कहते हैं कोई रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है जब पी वैल्यू पॉइंट जीरो फाइव से कम होती है तो चूंकि इसकी वैल्यू पॉइंट डबल जीरो नाइन है तो हम कहेंगे कि सर्वन लीडरशिप हैज़ अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन आवर परफॉर्मेंस एंड दैट इफेक्ट इज अ ट्वेंटी पॉइंट एट परसेंट एंड इट इज सिग्निफिकेंट बिकॉज पी वैल्यू इज़ लेसर देन पॉइंट जीरो फाइव तो पहला हाई पाउस एक्सेप्ट हो गया क्योंकि एस्टिमेट भी गिवन है और उसकी पी वैल्यू पॉइंट जीरो फाइव से कम है ये सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करेगा ओके अब हम जानना ये चाहते हैं कि जनाब जो दूसरा आ, हमारे पास है आ, जो मीडिएशन वाला है उसको कैसे पता करेंगे कि वो सिग्निफिकेंटली इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा हम मेट्रिस में जाएंगे मेट्रिस में जाने के बाद हम स्टैंडर्डाइज इनडायरेक्ट इफेक्ट में जाएंगे स्टैंडर्डाइज इन डायरेक्ट इफेक्ट के अंदर बताया जा रहा है कि सर्विस लीडरशिप का सर्वेंट लीडरशिप का जो ऑर्गेनाइज प्रोडक्टिविटी के ऊपर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है वो फोर्टीन पॉइंट एट परसेंट है सर्वेंट लीडरशिप का जो ऑर्गेनाइज प्रोडक्टिविटी के ऊपर इम्पैक्ट है वो फोर्टीन पॉइंट एट परसेंट है कौन सा इम्पैक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट और हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि तीन तरह का इफेक्ट होता है टोटल इफेक्ट डायरेक्ट इफेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट टोटल इफेक्ट वो होता है जो इंडिपेंडेंट और मीडिएटर का मिला के होता है डायरेक्ट इफेक्ट वो होता है जो इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट के ऊपर होता है और इनडायरेक्ट वो होता है जो मीडिएटर की वजह से होता है तो यहाँ पर मीडिएटर कौन सा है हमारे पास मीडिएटर हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफिकेशन तो ये जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है हमारे पास ये ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफिकेशन की वजह से ही हो रहा है और वो कितना है फोर्टीन पॉइंट एट परसेंट मतलब मीडिएशन एग्जिस्ट कर रही है ठीक है ना इस 14.8 परसेंट की वजह से ये देखना है कि ये हमारे पास सिग्निफिकेंट है कि नहीं है तो हम बायस क्रेक्टेड परसेंटाइल मेथड पे क्लिक करते हैं तो यहां पे स्टैंडर्डाइज इन डरेट इफेक्ट की टू टे सिग्निफिकेंस आ रही है और ये वो सिग्निफिकेंस की वैल्यू है क्या ये वैल्यू पॉइंट से कम है बिल्कुल कम है ये पॉइंट है तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो ये वैल्यू थी पॉइंट ये सिग्निफिकेंट है क्यों मैंने परसेंटाइल uh, पर क्लिक किया था तो मेरे पास इसकी uh, जो टू टेल सिग्निफिकेंस थी वो पॉइंट जीरो फाइव से कम आई है तो मतलब हमारा सेकेंड हाई पॉसिस भी एक्सेप्ट हो जाएगा एंड दैट इज के जो ऑर्गेनाइजेशनल uh, आइडेंटिफिकेशन है हैज़ अ सिग्निफिकेंट मीडिएटिंग रोल इन द रिलेशनशिप बिटवीन सेवन लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जब हमारे पास नंबर ऑफ मीडिएटर uh, ज़्यादा हो जाए तो तब किस तरह से मालूम किया जाता है कि आया के मीडिएटर सिग्निफिकेंट है कि नहीं है ज करते हैं यहाँ पे तो एक मीडिएटर है अगर मीडिएटर तीन होते तो हमारे पास ये वैल्यू तो एक ही आनी थी सेवन लीडरशिप का हो परफॉर्मेंस के ऊपर इन डायरेक्ट रोल फर्ज करते हैं तब वो पॉइंट है तो वो वैल्यू किसकी वजह से वो इसकी वजह से है ये बाकी के दो मीडिएटर की वजह से तब देखने के लिए कि मीडिएशन हो रही है तो कितनी किसकी वजह से हो रही है हम देखते हैं कि क्या सर्वन लीडरशिप का इसके साथ इंपैक्ट सिग्नीफिकेंट है और फिर क्या इसका डिपेंडेंट के साथ सिग्नीफिकेंट है अगर ये दोनों पार्ट सिग्नीफिकेंट हुए ये पॉइंट फोर फाइव वाला भी और पॉइंट थ्री टू वाला भी तब हम कहेंगे कि हाँ यह सिग्नि मीडिएटिंग रोल प्ले कर रहा है अगर ये दोनों पाथ सिग्निफिकेंट ना हुए इनमें से कोई भी एक पाथ इनसिग्निफिकेंट हुआ तो मतलब कि मीडिएशन नहीं कर रहा ठीक है हमारे इस केस के अंदर ये एक पार्शल मीडिएशन है पार्शल मीडिएशन क्यों कहते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टली भी इसको इफेक्ट कर रहा है ट्वेंटी पॉइंट एट परसेंट से वो भी सिग्निफिकेंट है और थ्रू इनो आइडेंटिफिकेशन जो वो फोर्टीन पॉइंट एट परसेंट इफेक्ट कर रहा है वो भी सिग्निफिकेंट है तो पार्शल मीडिएशन तब होती है जब इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट भी हो और थ्रू मीडिएटर भी हो और फुल मीडिएशन तब होती है जब इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट के ऊपर जो अपना इम्पेक्ट है वो इनसिग्निफिकेंट हो सिर्फ मीडिएटर के थ्रू जो इम्पेक्ट है इनडायरेक्ट इफेक्ट वो सिग्निफिकेंट हो उसे कहते हैं फुल मीडिएशन ठीक है ना तो हमारे केस के अंदर ये पार्शल मीडिएशन है तो इस तरीके से क्या नाम है हम अच्छा अगर जानना हो कि अच्छा यार अगर ज्यादा वेरिएबल्स हैं मीडिएटर है, हमें कैसे पता चलेगा कौन कौन सा पास सिग्निफिकेंट है तो उसके लिए आप आउटपुट में आते हैं यहाँ पर आप सबसे शांत जगह का है एस्टिमेट्स में जाएं स्केलर्स में जाएं स्टैंडाइज रिग्रेशन वेट में जाएं यहाँ पे हर पाथ का रिग्रेशन वेट गिवन होगा आप सिंपली बूट सब कॉन्फिडेंस में क्लिक करें हर पाथ का पी वैल्यू आ जाएगी देखना है क्या इंडिपेंडेंट टू मीडिएटर और मीडिएटर टू डिपेंडेंट क्या दोनों पाथ सिग्निफिकेंट है अगर दोनों पाथ सिग्निफिकेंट है मतलब मीडिएशन सिग्निफिकेंट है अगर दोनों पाथ में से कोई भी एक पाथ नहीं सिग्निफिकेंट मतलब मीडिएटर सिग्निफिकेंट नहीं है तो इस तरह से हमने स्ट्रक्चर क्वेश्चन मॉडलिंग रन कर ली अमॉस के ऊपर जब हमने ये रन कर लिया है अमाउस के ऊपर तो अब हमारे पास लास्ट चीज़ जो इस एनालिसिस के अंदर बाकी है वो मॉडरेटिंग रोल है ऑर्गनाइजेशनल लर्निंग का किसके दरमियान ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफिकेशन के दरमियान और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी के दरमियान इस मीडिएटिंग रोल मॉडरेटिंग रोल को कैसे चेक करते हैं अमाउस की मदद से चले आए देखते हैं हम वापस जाएंगे अपनी एसपीसी की शीट में और यहाँ पे हम आ, कुछ नए वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे वो कैसे हम पहले एनालाइज पे क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस में जाएंगे और डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे इन वेरिएबल्स को सिलेक्ट करके मैं वापस ले आऊँगा इस साइड पर ठीक है इनकी ज़रूरत नहीं है वो वेरिएबल जिन्होंने रोल प्ले करना है मॉडरेशन के टेस्ट के अंदर सिर्फ उन वेरिएबल को सिलेक्ट किया जाएगा मॉडरेटर कौन सा है ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप किसके दरमियान मॉडरेशन देखनी है आइडेंटिफिकेशन uh, और प्रोडक्टिविटी के दरमियान मैं इन तीनों वेरिएबल को चूज करके यहाँ पे ले आऊँगा चूंकि सर्वेंट लीडरशिप का uh, देख लीजिए कोई मॉडरेटर से तल्क नहीं है मॉडरेटर का तल्लुक सिर्फ यहाँ तक के मॉडल के साथ है इन तीन के साथ है मॉडरेटर का तल्लु मॉडरेटर का तल्लुक सर्वेन लीडरशिप के साथ नहीं है ये तीन चीज़ें उसमें तो इसलिए सर्वन लीडरशिप को मैं उस कॉलम के अंदर नहीं लेके गया मैं बाकियों को लेके आऊँ और मैंने यहाँ पर कर दिया सेफ स्टैंडर्डाइज वैल्यूज़ एज वेरिएबल्स मैंने इस बॉक्स को चेक कर दिया और मैंने ओके okay के बटन को क्लिक किया जब मैंने किया तो आप यहाँ पे देखिएगा शीट के अंदर कि ये तीन नए वेरिएबल क्रिएट हो गए ये जी स्कोर है उन तीनों वेरिएबल्स के ये जी स्कोर्स हैं जिस तरह टी डिस्ट्रीब्यूशन होती है एफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिस तरह जी डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है ना तो मैंने उन तीनों को जी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया ये मॉड्रेशन रन करने का पहला स्टेप है जब ये जी के अंदर कन्वर्ट हो गए अब मैंने ट्रांसफॉर्म में जाना है और कंप्यूट वेरिएबल करना है एक चीज़ याद रखिएगा ठीक है ना मॉड्रेशन का मतलब ये होता है कि अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफिकेशन को मल्टीप्लाई कर दूँ ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग के साथ जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाए उसका क्या इंपैक्ट है प्रोडक्टिविटी के ऊपर ये मॉडरेटिंग रोल है तो इनका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मुझे एक नया वेरिएबल जनरेट करना है ठीक है ना वो नया वेरिएबल कैसे जनरेट होना है मैं यहाँ पर इसका कोई भी नाम रख देता हूँ मैं लेट्सपोज को कहता हूँ इंट्रेक्शन अंडर स्कोर किसके दरम्यान इंट्रेक्शन है ऑर्गेनाइजेशनल uh, लर्निंग और दूसरा मेरे पास है ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफिकेशन मैंने ये अपना नाम रख लिया इसके हिसाब से अब मैंने किस किस को मल्टीप्लाई करना है जो जी स्कोर है मेरे पास मॉडरेटर का ये लर्निंग हो गया और इसको मल्टीप्लाई स्टार के साइन के थ्रू और किसके साथ मल्टीप्लाई करना है जो आइडेंटिफिकेशन है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यानी कि इंडिपेंडेंट को मॉडरेटर के साथ कर लिया मल्टीप्लाई इनका मल्टीप्लाई करिए उसका नाम ये हो मैंने इसको ओके okay कर दिया जब मैंने ओके okay कर दिया तो मेरे पास एक नया वेरिएबल क्रिएट हो गया ये फिफ्टी एट वाला जिसमें मैंने मल्टीप्लाई किया किस किस को मैंने मल्टीप्लाई किया है लर्निंग को और आइडेंटिफिकेशन को क्योंकि इन दोनों का इम्पैक्ट मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाइड का इम्पैक्ट मैंने इस पर चेक करना है तो तब मुझे पता चलेगा कि मॉड्रेशन होती है कि नहीं होती अगेन अब जब मैं मॉडरेशन चेक कर रहा हूँ तो ऑर्गेनाइज आइडेंटिफिकेशन और मीडिएटिंग वेरिएबल नहीं है ये इस टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट है और ये मॉडरेटर है सर्वे लीडरशिप इस टाइम मॉडल से बाहर है उसका कोई ताल्लुक नहीं है एनी हाउ मैंने ये तीनों आपको जी स्कोर में कन्वर्ट करना सिखा दिया फिर एक इंट्रेक्शन टर्म कन्वर्ट करना सिखा दिए कि ट्रांसफॉर्म में जाते हैं अपने वेरिएबल का नाम सेट करते हैं जिन दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करना है तो उनके ओरिजिनल वेरिएबल को मल्टीप्लाई नहीं किया जो जी स्कोर निकाला वहां से इंडिपेंडेंट और मॉडरेटर को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट करते हैं कि हमारे पास मॉडरेटर एक से ज़्यादा हैं तो हमें अलग अलग ये इंट्रैक्शन टर्म्स बनानी पड़ेंगी इंट्रैक्शन के ज़्यादा वेरिएबल बनेंगे तब अगर पहले में एक बन गया फिर दूसरे के साथ बनाया फिर तीसरे के साथ मॉडरेटर ज़्यादा हैं अगर मॉडरेटर एक ही है तो एक ही फिर बन गया उसके थ्रो नैल्सिज हो जाएगा ओके okay. अब हमारे पास ये वेरिएबल्स जनरेट हो गए अब हमें शीट को सेव करना पड़ेगा कंट्रोल एस के साथ मैंने मैं शीट को सेव एज कर लेता हूँ और मैं सेव एज इसको कर लेता हूँ जो मैंने फोल्डर बनाया है आप किसी भी लोकेशन में कर सकते हैं ऐसा कोई इशू नहीं है उसमें डेस्कटॉप uh, पे मैं आता हूँ और सैम्पल अमावाज़ के अंदर चले जाते हैं सैंपल अमावाज के अंदर जाके यहाँ पे इसको हम सेव कर देते हैं सेव इसको सेव करने का मकसद क्या था कि हमारे पास अमाउस की शीट के अंदर इस वक्त पुराने वाली डाटा फाइल अपलोड है अब हमें नई वाली डाटा फाइल अपलोड करनी है तो वो ऑटोमेटिकली नहीं आ जाएगा अब मैं सबसे पहले फाइल को न्यू कर लेता हूँ और अगेन uh, व्यू में जाके इंटरफेस प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका साइज ए फाइव कर लेते हैं अप्लाई अब यहाँ पे कौन सा मॉडल ड्रा होगा सबसे पहले मैं फ़ाइल नेम पे जाके जो न्यू फाइल सेव कर लिया जिसके अंदर वो नए वेरिएबल मौजूद हैं मोस ये वाली फाइल मैंने सेलेक्ट कर ली ओके कर लिया अब मैंने अपना ये स्टेट्स को ओपन किया और यहाँ पे मैंने जी स्कोर डालने हैं किस किस का सबसे पहले मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जी स्कोर फिर मॉडरेटिंग वेरिएबल का जी स्कोर और फिर मॉडरेटर का जी स्कोर और दूसरी साइड पे मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल सवन लीडरशिप को नहीं डाला क्योंकि वो मॉडरेटर में कोई रोल नहीं प्ले कर रहा वो बाहर हो गया मेरे मॉडल से इनकी मैं थोड़ी तरतीब ठीक कर ली थोड़ा सा इनको आगे कर लेते हैं ताकि इनको मैनेज करना आसान रहे ओके फाइन लिया तीनों के रोज इसके साथ ड्रॉ किए आपके जहन में ये आ रहा होगा कि मॉडरेशन तो जो हमने नया वेरिएबल बनाया मल्टीप्लाई करके वो इसके ऊपर अगर इम्पेक्ट है तो पता चल जाएगा ये दो क्यों हम रख रहे हैं इन दो को इसलिए रख रहे हैं कि अब मॉड्रेशन को एक अट्रैक्टिव फॉर्म्स की ग्राफ की फॉर्म में भी शो करना होता है उसके लिए इनके स्कोर चाहिए होते हैं अभी आपको पता चल जाएगा मैंने ये जिसने बताया था जब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हूँ तो हम इन्हें क्या करते हैं कोवेरिएट कर देते हैं तो मैंने इनको कोवेरिएट करने लगा ये सब आप इसमें कोवेरिएट हो गए मैजिस्टिक पकड़ के हमें थोड़ा थोड़ा इनको सेट कर लिया चलें उसके बाद स्टैम्प ली आपको बताया था मीडिएटर और डिपेंडेंट के ऊपर ये स्टैंप लगाना पड़ती है और प्लगिंग में जाके नेम अनऑब्जर्व वेरिएबल करना पड़ता है ये भी कर दिया हम अपने और अनैसिस की प्रॉपर्टीज में आते हैं हम सेम वाली रखेंगे प्रॉपर्टीज जो हमने अभी पीछे सेम के लिए रखी थी स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट स्टैंडर्डाइज को रिलेशन इन डायरेक्ट डायरेक्ट हमें ये नहीं वैसे चाहिए लेकिन चले कोविनेस ऑफ एस्टिट्स कोरिलेशन ऑफ एस्टिमेट्स इन पांच चीज़ों को हम चूज कर लेते हैं क्रॉस करते हैं नहीं क्रॉस क्यों हमें बूट भी चाहिए ये तीन चीज़ों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं ओके तो हमने ये सेटिंग कर ली वहाँ पे उसके एनालिसिस की अब एनालिसिस रन किया ब्लैक एंड वाइट पियानो से उसका नाम रख दिया मॉड्रेशन कोई भी नाम रख सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी का एनालिसिस रन हो गया दोनों तरह की चीज़ें ओपन हो गई हैं स्टैंडर्ड एस्टिमेट है तो पता चल रहा है कि जो ये इंट्रैक्शन टर्म है ये टू परसेंट तक इसको अफेक्ट कर रही है ठीक है ना लेकिन हमें अब ये नहीं पता कि आया कि ये टू परसेंट सिग्निफिकेंट है कि नहीं है वो जानने के लिए हमें आउटपुट में आना पड़ेगा आउटपुट में आने के बाद यहाँ से आउटपुट ओपन कर लेंगे और यहां पर हम एस्टिमेट्स में जाएंगे और स्केलर्स में जाएंगे और स्टैंडर्डाइज रिग्रेशन वेट के अंदर जाएंगे तो पता चलता है कि जो इंट्रेक्शन टर्म है जो कि मल्टीप्लिकेशन थी उसका इसके साथ इफेक्ट वन पॉइंट फाइव परसेंट है हमारे लिए इफेक्ट स्मॉल हो ज़्यादा हो ये मैटर नहीं करता इसकी सिग्निफिकेंस मैटर करती है क्या ये सिग्निफिकेंस है कि नहीं है पहले भी बताया था इसकी सिग्निफिकेंस अगर चेक करनी है तो ये बूट कॉन्फिडेंस है इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसकी पी वैल्यू आई है पॉइंट ये वैल्यू किससे कम होनी चाहिए थी पॉइंट से क्या कम है नहीं बहुत ज़्यादा है तो मतलब कि जो हमारा थर्ड हाई है कि ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग सिग्निफिकेंटली मॉडरेट इन द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफिकेशन एंड ऑर्गनाइज प्रोडक्टिविटी ये वाला हाई हमारा रिजेक्ट हो गया क्यों ये 1.5 परसेंट तक मॉडरेट कर रहा है लेकिन इसका जो पी की वैल्यू है वो पॉइंट नाइन वन फाइव आई है जो कि पॉइंट जीरो फाइव से बहुत ज्यादा है ठीक है ना जो कि पॉइंट जीरो फाइव से ज्यादा है इसलिए ये इनसिग्निफिकेंटली मॉडरेट कर रहा है और मतलब हुआ ये हाई पॉसिस हमारा रिजेक्ट हो गया ठीक है सो ये था हमारे पास मॉडरेशन का एनालिसिस ठीक है ना हमने सिर्फ इस वाले को रिपोर्ट करना होता है इन दोनों को रिपोर्ट नहीं करना था फिर ये दोनों हमने क्यों बनाए ठीक है ना चलिए अब ये देखते हैं कि इन दोनों को बनाने के पीछे रीज़न क्या थी मैं दोबारा से वो फाइल ओपन करता हूँ स्टैट टूल पैकेज की जो ओरिजिनल फाइल थी एक इतना तो, तो हमने एनालिसिस कर लिया था ना वो उसका तो उसको नहीं ओपन किया दूसरी ओरिजिनल फाइल को ओपन किया <coughs> और इसमें हमने ये नीचे टू वे इंट्रेक्शन लिखा हुआ है मैंने इसको क्लिक किया टू वे इंट्रेक्शन को टू वे इंट्रैक्शन को जो मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मैं वेरिएबल के नेम उसे मुझसे मांगे हैं मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम है ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफिकेशन मॉडरेटर का नाम है ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिपेंडेंट का नाम है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी ठीक है अब उसने मुझे कहा है कि यहाँ पे अनस्टैंडर्डाइज कोफिशन रिग्रेशन कोफिशन पेस्ट करो किसका सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर है वो कहाँ पे है आइए एम पे चलते हैं आउटपुट अनस्टैंडर्डाइज का मतलब है ये स्टैंडाइज इग्रेशन वेट थे ये अनस्टैंडर्डाइज इग्रेशन वेट है वो कह रहा है इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट के ऊपर इंडिपेंडेंट हमारे पास है जो आइडेंटिफिकेशन है डिपेंडेंट के साथ उसका एस्टिमेट है पॉइंट टू फाइव एट कहाँ पर लिखा है ये लिखा हुआ एस्टिमेट ये इंडिपेंडेंट है ये डिपेंडेंट है पॉइंट टू फाइव एट तो मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ पर लिख दूँगा जीरो पॉइंट टू फाइव एट फिर वो कहता है मॉडरेटर का इफेक्ट लिखो इसके साथ मॉडरेटर वाला था तो मैं वापस चलता हूं इस पर मॉडरेटर था ये लर्निंग और इसका डिपेंडेंट के साथ इम्पैक्ट थारोक्शन टर्म आपने नई बनाई थी उसका इफेक्ट लिखो इसके ऊपर वो देख लेते हैं कितना था वो था पॉइंट जीरो वन टू ये है इंट्रेक्शन पॉइंट जीरो जी 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 ये हमने पिक्चर यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेज करनी होती है अपनी वर्ड की फाइल के ऊपर इसे कहते हैं मॉडरेशन का ग्राफ ठीक है ना ये शो जब तक ये लाइन स्ट्रेट जा रही है और उनके आपस में टच करने के कोई चांसेस नहीं है तब तक पता है कि चाहे आप लर्निंग ज़्यादा कर लो कम कर लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा ठीक है ना प्रोडक्टिविटी और आइडेंटिफिकेशन uh, के रिलेशनशिप को लेकिन अगर ये लाइंस इस तरह की हो कि आपस में इंटरसेक्ट करने वाली हो इनका आपस में इंटरसेक्शन होने वाला हो ठीक है ना तो उसका मतलब है कि ये मॉडरेशन सिग्निफिकेंट है तब वहाँ पे भी रिजल्ट सिग्निफिकेंट आया होता है जहाँ आपको पहले दिखाया था तो इस तरीके से हम ग्राफ की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं हम इस पिक्चर को यहाँ से कॉपी करके अपने वर्ड की फाइल पर पेश कर सकते हैं सो दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड हाउ टू रन द मॉडरेशन तो ये हमारा अमाउस का बेसिक एनालिसिस मुकम्मल हो चुका है आ, या मेरा नहीं ख्याल इसके अलावा हम इस पिक्चर को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं वहाँ पे शो कर सकते हैं वर्ड की फाइल के ऊपर लेकिन इसको शो करना ज़रूरी नहीं होता हम अपने टेबल के अंदर ही करते हैं और ये तमाम चीज़ें थी किस फॉर्म के अंदर हम अमाउस के अंदर रिग्रेशन एनालिसिस रन करते हैं और रिग्रेशन एनालिसिस सॉरी कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस अनालस करते हैं और फिर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरकन मॉडलिंग रन करते हैं इसके अलावा भी अमावस पर बहुत कुछ हो सकता है लेकिन हमने सिर्फ वो बताया जो आपको अपने मास्टर लेवल के थीसिस के लिए रिसर्च के कोर्स के लिए अफेक्टिव uh, तरीके से एनालिसिस रन करने के लिए ज़रूरी है ये चीज़ याद रखिए कि अमाउस हमेशा स्मार्ट एस uh, के साथ चलता है ठीक है ना अमास कब यूज़ किया जाता है तो आप उस वीडियो के थ्रू देख सकते हैं जो कि चैनल पर मौजूद है अमास वैसे स्मार्ट पी की So, इस तकरीबन 80 मिनट्स के सेशन के अंदर आप अमॉस को इजीली सीख सकते हैं थैंक यू सो मच